हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। प्रीवियस सेशंस में हम अब तक बात कर चुके हैं तीन लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों ही लाइफ प्रोसेसेस को हमने एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है अपने चैप्टर में एक नई लाइफ प्रोसेस को पढ़ने की, और इसीलिए इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस को पढ़ना। और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में, मतलब कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में किस तरीके से होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस। सो फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हमारे पास होता है एक बढ़िया सा, बेहतरीन सा एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसे आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, तभी हमें आगे की बातें समझ में आ पाएंगी। तो यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट, होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम को। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, आज के लेक्चर की कहानी हम शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले कि हम अपना ये सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करें, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहती हूँ एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में। अब आप बोलोगे कि मैम एक्सक्रीशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हम अपने प्रीवियस सेशंस में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे थे मैम, तो वहाँ पर हमने एक्सक्रीशन ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो आज क्यों फिर से हम इस लेक्चर में वही वाला टॉपिक जो है ना रिपीट कर रहे हैं। मैम वो जो हम सुबह हल्के होकर के आते हैं ना, मतलब कि जो हम अपनी बॉडी से स्टूल पास करते हैं, जो हम अपनी बॉडी से अपने फीकल मैटर को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, मैम उसी को तो बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो पढ़ तो चुके हैं, एक बार फिर से क्यों पढ़ना पड़ रहा है आज हमें? क्योंकि बेटा हम जो स्टूल पास करते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी से जो फीकल मैटर को रिमूव करते हैं, तो उस रिमूवल की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इजेशन, ना कि एक्सक्रीशन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है बेटा कि इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं, कृपा करके इनको एक ही मत बोल देना कि मैम इजेशन ही एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन ही इजेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमने पढ़ा है ना कि भाई हमारी बॉडी में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसमें कि पांच स्टेप्स होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। होता क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारे स्टमक में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से उस खाने का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके कहाँ पहुँच जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से कहाँ चले जाते हैं? वो डिफरेंट बॉडी सेल्स के पास चले जाते हैं। अब फिर क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड और जो अनअब्सॉर्ब्ड फूड बच जाता है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, उस खाने से थोड़ा बहुत जो पानी है या कुछ अदर जो सब्सटेंसेस हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, अब्सॉर्ब हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में वो जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड वेस्ट है, वो कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन के डिसेंडिंग कोलोन में पहुँचता है, रेक्टम के लेवल पर पहुँचता है। और जैसे ही वो अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड वेस्ट रेक्टम के लेवल पर पहुंचा या डिसेंडिंग कोलोन के लेवल पर पहुंचा बेटा, उस वेस्ट को अपन बोलने लग जाते हैं स्टूल या फीकल मैटर। आम भाषा में उसको अपन स्टूल बोलते हैं, वैसे फीकल मैटर बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, उसी फीकल मैटर को या उसी स्टूल को अपन क्या करते हैं, एनस के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं बेटा। तो वो जो एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, फीकल मैटर को जब हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं ना, तो उस रिमूवल की प्रक्रिया को अपन इजेशन बोलते हैं, वो एक्सक्रीशन नहीं है, समझे। तो अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, आपकी बात भी हमने मान ली कि फीकल मैटर को जब हम अपनी बॉडी से या स्टूल को जब अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं ना, तो उस रिमूवल की प्रक्रिया को, उस एलिमिनेशन की प्रक्रिया को हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो मैम अब हमको ये भी बता दो कि फिर एक्सक्रीशन क्या है आपके हिसाब से, यदि इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर एक्सक्रीशन है क्या? तो अब सुनो,
आज के इस लेक्चर में तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि तुम जितना ध्यान से सुनोगे ना उतना तुमको सारी जो बातें ना वो बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आ पाएंगी। टॉपिक तुम्हें जो है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन मेरी बातों पर रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब कि यदि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाना है, उसके स्ट्रक्चर को बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? सेल्स के थ्रू। अरे सेल्स ही तो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, है ना। उसके अलावा अगर उस ऑर्गेनिज्म को हमें जिंदा रखना है, लिविंग स्टेट में रखना है, तो लिविंग स्टेट में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं ना बेटा, उन सेल्स में लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उन सेल्स में लगातार कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म होते रहते हैं, और उन्हीं फंक्शंस के कारण वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रह पाता है। कि तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए बस सेल्स चाहिए होते हैं, सेल्स ने बॉडी बना दी, अब सेल्स क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे? नहीं, सेल्स बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं बेटा। सेल्स में लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, सेल्स लगातार कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करते ही रहते हैं, और तभी जा करके वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता, अदरवाइज तो वो मर जाएगा। तभी तो अपन सेल्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें लगातार बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। ये सेंटेंस आपकी एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें लगातार बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। अब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर चीज़ें कुछ कुछ बनेंगी, और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें या सामान टूटेगा, यानी कि टूट फूट सब कुछ जो है हमारे बॉडी के सेल्स में होती रहती हैं। मैंने क्या बोला, बॉडी के सेल्स में लगातार बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ना। मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ, और आप भी जहाँ पर अपने नोट्स बना रहे हो ना बेटा, वहाँ पर लिख लो, बॉडी सेल्स में लगातार बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर चीजें टूटती हैं, ठीक है ना। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां पर चीजें देखो टूट रही हैं, ये देखो टूट रही हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें की चीजें बनती हैं, ये देखो चीजें बन रही हैं। तो जहां पर या जिन बायोकेमिकल रिएक्शंस में चीजें टूट रही हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये नाम तुमने सुने होंगे, मतलब आज पहली बार समझ में आ रहा है ना। तो सेल्स में होने वाली वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें की चीजें टूटती हैं, चीजों का ब्रेक डाउन होता है, उन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और हमारे बॉडी की सेल्स में होने वाली वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें की चीज़ें बनती हैं, कुछ ना कुछ बन रहा है, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को अपन बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। और यही कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को मिला करके अपन क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक रिएक्शंस को मिला करके अपन क्या बोल देते हैं, इनको कंबाइनली अपन क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना बच्चों, ये पता है क्या करती हैं? ये बनाती हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। ये वर्ड तुमने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। अब समझ में आया कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही मिलकर के क्या बनाती हैं? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती क्या हैं? दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होगा? चीज़ें बनेंगी। कैटाबॉलिक में क्या होगा? चीज़ें टूटेंगी, चीज़ों का ब्रेक डाउन होगा, समझे। तो इनको अपन क्या बोल देते हैं बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो मिल करके क्या बनाएंगी? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाएंगी। इतना समझ में आया? अब सुनो आगे की बात। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी कि मैम हमने तो आपसे कहा था कि हमें एक्सक्रीशन के बारे में बता दो, आप ये क्या पढ़ाने लगी। तो बेटा मेरी बात सुनो, एक्सक्रीशन प्रोसेस में होता क्या है?
हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं. टू बी मोर स्पेसिफिक, हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं. तो वो जो रिमूवल की प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. भाई इजेशन अलग है, एक्सक्रीशन अलग है. तो एक्सक्रीशन है क्या? तो जब हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से उस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल के फेंक देते हैं. तो उस बाहर निकाल के फेंकने की प्रक्रिया को, उस रिमूवल या एलिमिनेशन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन को समझने के लिए तुम्हें मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है वो समझना पड़ेगा. क्योंकि क्या है एक्सक्रीशन? मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी, राइट? तो उसको समझने के लिए तुम्हें जरूरी है कि तुम ये समझो कि भाई मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है. और मेटाबॉलिक वेस्ट तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम मेटाबॉलिज्म को समझोगे. तो मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया तुमको? अब समझो कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है. देखो बेटा, यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, बोले तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, जो एनाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, है ना, चीज़ें टूट रही हैं, बन रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना, तो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ऑब्वियस सी बात है कुछ यूज़फुल यू नो सब्सटेंसेस बनते होंगे. भाई कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी के सेल में हो रही है तो किसी ना किसी पर्पज़ से हो रही होगी ना, कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा. जैसे कि अपन वो पढ़ते हैं ना सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी के सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज आता है, वो टूटता है पाइरूवेट में, और पाइरूवेट फाइनली किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है ढेर सारी एनर्जी. तो जो बॉडी के सेल में ग्लूकोज आया, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में, और पाइरूवेट जो टूटा है, तो टूटने का कोई मकसद हुआ ना, कोई पर्पस हुआ कि नहीं हुआ? कि बस खाली बैठे थे तो बॉडी सेल्स ने क्या करा, ग्लूकोज को लिया, ब्लड स्ट्रीम से उसको उठा करके तोड़ दिया, बस ऐसा होता है क्या? नहीं, ग्लूकोज को तोड़ने का एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है. क्या? कि ग्लूकोज जब टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो निकलेगी एनर्जी. जो भी कुछ होता है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है? एनर्जी डिराइव करना ना ग्लूकोज से. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि ग्लूकोज से क्या करना? एनर्जी डिराइव करना. तभी तो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया. तो क्यों टूटा ग्लूकोज? क्योंकि एनर्जी चाहिए थी. आई बात समझ में? तो जो भी हो रहा है किसी ना किसी मकसद से हो रहा है. ये नहीं कि खाली बैठे थे तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम और अंताक्षरी खेल ली जाए, नहीं, कुछ तोड़ लिया जाए, कुछ जो है ना बना लिया जाए, ऐसा नहीं होता. जो भी टूट फूट हो रही है, जो भी कुछ बन रहा है, उसको कोई ना कोई पर्पस होगा. यानी कि जो भी यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बेटा, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे वो एनाबॉलिक हो, इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ ना कुछ यूजफुल सब्सटेंस तो बनता ही है, तभी तो ये रिएक्शंस हो रही हैं. ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर ये क्या बना है बेटा, यहाँ पर ये यूजफुल, या यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बने हैं जिनको कि बॉडी में आगे इस्तेमाल कर लिया जाएगा. अब यूजफुल सब्सटेंसेस जो बने हैं इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, उनको तो बॉडी में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, लेकिन बेटा इन यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं, या आप ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बनते हैं जो एब्सोल्युटली वेस्ट होते हैं. जैसे कि वो अभी मैंने आपको बताया सेलुलर रेस्पिरेशन की कहानी, कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में, पाइरूवेट को ऑक्सीजन ने क्या करा, कम्प्लीटली तोड़ दिया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और निकली ढेर सारी एनर्जी. तो एनर्जी का तो इस्तेमाल कर लिया जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, है ना. पानी जो बना है उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाएगा या बाहर निकाल देंगे. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है बेटा, वो तो एब्सोल्युटली वेस्ट है हमारी बॉडी का, जिसको अपन क्या करते हैं, एक्सहेल करके अपनी बॉडी से बाहर ही तो निकालते हैं ना अल्टीमेटली. तो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, उसमें काम की चीज़ क्या बन गई, एनर्जी. लेकिन वेस्ट भी तो साथ में बना ना, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, इनमें यूजफुल सब्सटेंसेस तो बनते ही बनते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ वेस्ट भी बनता है. ठीक है, कुछ वेस्ट भी बनता है. मैं इसको कैसे, रुको, दूसरे कलर से मैं इसको बताती हूँ आपको. कुछ वेस्ट भी बन रहा है ना, ये देखो, ये वेस्ट भी बन रहा है. ये अलग कलर से बेटा मैंने बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है. सब कुछ यूज़फुल चीज़ें चल रही हैं, है ना. यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो यूज़फुल हैं, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण बन चुके हैं. अब वेस्ट है बेटा ये हमारी बॉडी के
तुम्हारे घर में कचरा जनरेट होता है दिन भर में कि नहीं होता है? मम्मी खाना बनाती हैं तो सब्जी भाजी के छिलके, है ना, मतलब दिन भर में ढेर सारा कचरा तुम्हारे घर में जनरेट होता है, तो तुम क्या करते हो, उस कचरे को अपने घर में रखे रहते हो क्या? कि नहीं नहीं हमारे घर का कचरा, हम उसको अपने घर में ही रखेंगे। अरे बाहर निकाल के फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? तो यहाँ पर भी जो वेस्ट जनरेट हुआ है बेटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट जनरेट हुआ है बेटा, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण, भाई मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई, उन रिएक्शंस में यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ साथ ये वेस्ट भी पैदा हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे ना। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुआ है, इट हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी, इसको बॉडी के बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, और उसी फेंकने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो आप बोलोगे कि मैम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपन एक्सहेल आउट करते हैं वो भी एक्सक्रीशन है क्या? यस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है बेटा, एक मेटाबॉलिक वेस्ट ही है। रखेंगे क्या उसको अपनी बॉडी के अंदर? नहीं, बाहर निकालते हैं ना, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं, वो भी एक्सक्रीशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट पैदा हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे, और इसके रिमूवल की प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। एकदम बेसिक और आसान शब्दों में सिखा रही हूँ, इतना आसान बेटा शब्दों में कोई और सिखाता नहीं है। 11th 12th में जाकर के यदि तुमने बायोलॉजी लिया, डॉक्टर बनने का सपना है तुम्हारा और तुमने लिया बायोलॉजी जाकर के, है ना, 11th 12th में, तो तुमको फिर से एक बार ये चैप्टर जो है ना पढ़ना पड़ेगा, एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब टीचर तुमको एडवांस लेवल का पढ़ाने जाएगा ना, तो तुमको ये बेसिक नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम 10th में इसका बेसिक पढ़ करके आए हो, तो तुमको इतना पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए ना बेटा, इसलिए पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और साथ साथ में कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, और उन्हीं वेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, जिनको कि बॉडी से बाहर निकालना होता है, और उसी रिमूवल की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या क्या है, ज़रा हमें साइड में जो ना वो भी बता दो, तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएँ। तो देखो बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। सारे तो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप अभी 10th में हो, 12th में, मेरे हिसाब से 12th में भी आपको इतना कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। देखो, मेटाबॉलिक वेस्ट बेटा, एक तो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पे बनता है। उसके अलावा होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आ गया, रुको अभी बताती हूँ। उसके अलावा एक क्रिएटिनाइन भी होता है, ठीक है। तो होते हैं और भी नाइट्रोजनस वेस्ट, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, लेकिन मेजरली तुमको 10th के लेवल पर बस यही दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़ने होते हैं। लिखा ना मैंने, हाँ, बस 10th के लेवल पर तुमको यही दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़ने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो बेटा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कैसे पैदा हुआ और अपन इसको कैसे अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना, वो एक्सहेलेशन वाले पार्ट में, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, ब्रीदिंग मैकेनिज्म वाले हिस्से में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें मेन फोकस करना होगा नाइट्रोजनस वेस्ट पर। मैंने क्या बोला, और भी तरह के बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, लेकिन 10th के लेवल पर तुमको सिर्फ यही दोनों पढ़ने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आ जाओ पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे पैदा होता है, और क्यों पैदा होता है, और कहाँ पैदा होता है? तो इसका जवाब है बेटा लिवर। लिवर दादा को जानते हो कि नहीं जानते हो? लिवर बेटा एब्सोल्युटली क्या होता है, एक मल्टी टैलेंटेड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये सब कुछ करता रहता है, सब कुछ करता रहता है। तभी तो जब भी लिवर डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, या तो ट्रांसप्लांट करवाओ वरना ऊपर जाओ। मतलब कि लिवर इतना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कि अगर ये डैमेज हो जाता है बेटा तो फिर इंसान के बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब होता क्या है, तुमने खाना खाया, उसमें था प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। प्रोटीन का जब बेटा डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं। वो अमीनो एसिड्स अपन पढ़ चुके ना, तो अमीनो एसिड्स बने, वो अमीनो एसिड्स क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएंगे विलाय में, विलाय से कहाँ जाएंगे, अमीनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, वो अमीनो एसिड्स पहुँचेंगे डिफरेंट बॉडी सेल्स के पास। जितना बॉडी सेल्स को चाहिए होगा अमीनो एसिड उतना वो रख लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, जैसे कि कभी कभी ना अपन को अपनी
हेल्थ के लिए अपन एकदम से अचानक से किसी दिन क्या होते हैं कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं नहीं भैया आज से सारा जंक फूड जो है ना बैन है, अब हम ये भी नहीं खाएंगे, अब हम वो भी नहीं खाएंगे, प्रोटीन रिच फूड खाएंगे। तो अचानक से क्या हुआ है, तुम्हें सपना आया है कि नहीं भैया अब हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हैं हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अब हम क्या खाएंगे, प्रोटीन रिच खाना खाएंगे। तो तुम क्या करोगे, लगातार जो है पेल रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो। अब प्रोटीन अल्टीमेटली किस में टूटा, अमीनो एसिड में टूटा। अमीनो एसिड कहाँ गए, ब्लड स्ट्रीम से आप बोल सकते हो कि बॉडी के सेल्स के पास गए। बॉडी के सेल्स को जितने अमीनो एसिड चाहिए होंगे उतना वो रख लेंगे, बाकी जो जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है बेटा, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लिवर में। हर चीज़ को जब भी ठिकाने लगाने की बात आती ना बेटा, कि ये एक्स्ट्रा है मम्मी ये देख लो, है ना, ये एक्स्ट्रा है मम्मी आप ये देख लो, तो लिवर इज़ जस्ट लाइक आर मम्मी, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग, हर टास्क कर लेता है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बेटा बॉडी में बचते हैं वो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स कहाँ आ जाते हैं, लिवर के अंदर आ जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लिवर के अंदर आ तो गए हैं लेकिन अब क्या होगा, तो मैं बताती हूँ। अमीनो एसिड्स में से बेटा जो अमीन ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स में से जो अमीन ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, उसको लिवर क्या करेगा, तोड़ देगा। मतलब देखो ये हो गया अमीनो एसिड, देखो ये हो गया अमीनो एसिड, ठीक है। ये बेटा एक अमीनो एसिड का मैंने आपके लिए मॉलिक्यूल बनाया, तुम्हें इसे लिखना नहीं है एग्जाम में। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जितना मैम पढ़ा रही ना पूरा का पूरा एग्जाम में जाकर के लिख देंगे, नहीं लिखना है, समझने वाली बात है ये, ठीक है। तो देखो ये है एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना NH2 ग्रुप, यही है बेटा अमीन ग्रुप। तो जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आते हैं लिवर में, लिवर पता है क्या करता है, लिवर अमीनो एसिड्स में से जो इसका अमीन ग्रुप होता है ना बेटा, ये तोड़ के बाहर निकाल लेता है कि तुम आओ इधर, आई बात समझ में, ऐसे ये दिख रहा है तुमको पूरा अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल, इसमें जो अमीन ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, इस अमीन ग्रुप को लिवर क्या करेगा, ऐसे खींच लेगा कि तुम इधर आओ आए बढ़े। तो ये वाला पार्ट बेटा अलग हो जाता है, अमीन ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है और ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये वाले पार्ट का क्या होगा, इसका कुछ होगा, तुम्हें मतलब नहीं है इससे, पढ़ाने को तुम्हें पढ़ा दूंगी वरना फिर क्या होगा ना, तुम लोग सब कुछ लिख करके आ जाओगे एग्जाम में, और एग्जाम में लिख करके आते हो ना तो फिर टीचर बोलते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका क्या होगा, इस बार मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, है ना, उसका जो होना होगा होगा। तुम तो इसको देखो, इसको, ये जो अमीन ग्रुप है बेटा, इसमें नाइट्रोजन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अरे तो यही तो है नाइट्रोजनस वेस्ट, दिस इज ओनली नाइट्रोजनस वेस्ट। सवाल तो यही था ना कि मैम हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ बनता है और क्यों बनता है और कैसे बनता है, तो कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। कैसे और क्यों बना वो भी तुमको मैंने जवाब दे दिया कि जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स होते हैं ब्लड स्ट्रीम में वो कहाँ जाते हैं, लिवर में आ जाते हैं। लिवर क्या करता है, उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स में से जो उनका अमीन ग्रुप होता है ना वो तोड़ करके अपने पास खींच लेता है, जो ये रिमेनिंग पार्ट है उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और ये जो अमीन ग्रुप आए हैं अमीनो एसिड से, तो बेटा यही तो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो ना इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है। अब होता क्या है, इसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। भाई ये देखो ना NH2 है ना, इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। तो अमोनिया भी क्या है बेटा, अमोनिया भी तो नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। देखो तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तीन तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यहां पर देखो क्या हुआ, अमीनो एसिड्स जो आए थे एक्स्ट्रा वाले लिवर में, लिवर ने क्या करा, उनका अमीन ग्रुप तोड़ तोड़ के जो है ना अलग कर दिया। तो ये देखो ये पार्ट अलग हो जाएगा, और ये जो अमीन ग्रुप है, ये तो तुमको मैंने एक मॉलिक्यूल बताया बेटा अमीनो एसिड का, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे अमीनो एसिड के, और हर एक मॉलिक्यूल में से क्या होगा, लिवर क्या करेगा, अमीन ग्रुप को तोड़ करके अलग कर लेगा। तो ये जो अमीन ग्रुप आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है, एक्चुअली नाइट्रोजनस वेस्ट ही है। अगर इसमें हम एक और H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया भी क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो अब आप बोलोगे कि ओके मैम समझ में आ गया, अमोनिया क्या है, हमारी बॉडी में पैदा होने वाला मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल राइट। लेकिन बेटा इसको निकालना इतना आसान नहीं है, क्यों,
अमोनिया, पहली बात तो ये है कि हाईली टॉक्सिक वेस्ट होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई टॉक्सिक इंसान है तो उस टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकालने में तुम्हें बेहद दिक्कत होने वाली, मतलब जितना कि टॉक्सिक वो इंसान है उतना उस टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकालने में तुम्हें दिक्कत होगी। अमोनिया का भी वही केस है कि बहुत टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और उसकी इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि इसको बाहर निकालने के लिए बॉडी से ढेर सारा पानी चाहिए होता है। तुम तो बेटा खुद ही 5 गिलास पानी में जो है ना एक दिन में बिता देते हो, एक दिन में तुम मुश्किल से 5 से 6 गिलास पानी पीते होंगे। आइडियली पीना कितना चाहिए? 10 से 12 गिलास। पीते कितने हो? 5 गिलास। बॉडी में ऑलरेडी क्या है? पानी की कमी है। ऊपर से तुमको क्या करना है? अमोनिया निकालना है। क्या खा करके अमोनिया निकालोगे? क्या पी करके अमोनिया निकालोगे? क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। इतना पानी हमारे पास होता ही नहीं है, तो जिनके पास होगा वही निकालेंगे अमोनिया। जैसे कि वो एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले इंसेक्ट। बेटा जो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है उसके पास तो पानी ही पानी है, तो एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए हैं, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस, कीड़े, ठीक है। उसके अलावा मेंढकों के जो टेडपोल होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो वो होते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक मतलब क्या? वो ऑर्गेनिज्म्स जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज देयर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। तो इसको बॉडी से बाहर निकालना बेहद आप बोल सकते हो कि डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है और रिमूवल, इसका जो रिमूवल है, इट्स रिमूवल नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे पास नहीं है। तो जिनके पास होगा वही निकालेंगे अमोनिया, जैसे कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, मेंढकों के टेडपोल जो पानी में ही रहते हैं, वो सब क्या निकालेंगे बेटा? अमोनिया निकालेंगे। आप बोलोगे कि मैम हमें तो अपनी बॉडी की बात करनी थी, ये हमारा लेवर है, हमारे पास इतना पानी नहीं है, हम तो वैसे भी पानी की कमी के साथ ही जीवन जीते हैं, हमारे अंदर क्या होगा? तो बेटा हमारे अंदर ना लिवर में अमोनिया तो हम निकाल ही सकते हैं, तो ये जो अमोनिया बना है इसी अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में। हमारे लिवर में ही चलती है बेटा क्या? एक साइकिल जिसको अपन बोलते हैं यूरिया साइकिल, लिवर में ही चलेगी, जिसमें क्या होता है? अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। यूरिया कंपैरेटिवली लेसर टॉक्सिक है अमोनिया से, और इसके रिमूवल में भी पानी तो चाहिए है, पर ढेर सारा पानी नहीं चाहिए जितना कि अमोनिया के रिमूवल में चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि लेस टॉक्सिक है, ये लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया एंड रिक्वायर्स, और रिमूवल में लेस वाटर, इसका रिमूवल बेटा लेस वाटर में भी हो जाता है। तो हमारे पास बेटा लेस वाटर तो है ना, बहुत सारा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है ना, तो उस थोड़े बहुत पानी से अपन क्या करते हैं? यूरिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कैसे? आप बोलोगे कि मैम हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं करा कि बॉडी से क्या कर रहे हैं, यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्यों? सुसु नहीं जाते क्या? यूरिन पास नहीं करते क्या? बेटा वो यूरिन क्या है? वो पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट का ही तो मिक्सचर है। यूरिन क्या है? पानी और ये स्पेसिफिकली यूरिया का ही तो मिक्सचर है, जो कहाँ बनता है? किडनीज में बनता है, और किडनीज से क्या होता है? वो वेस्ट बॉडी के बाहर हम निकाल देते हैं। तो अब समझ में आया एक्सक्रीशन क्या है? जो स्टूल पास करते हैं दैट इज इजेशन, और जो यूरिन पास करते हैं दैट इज एक्सक्रीशन। पल्ले पड़ी बात? चलो, तो मैंने क्या बोला, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आए हैं लिवर में उनको लिवर तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? जो उनका अमीन ग्रुप है बेसिकली वो अलग कर लेगा। अमीन ग्रुप है क्या बेटा? बेसिकली जो ये मतलब अमीनो एसिड्स को तोड़ा गया है, लिवर ने अमीनो एसिड्स को जो तोड़ा है, तोड़ करके जो अमीन ग्रुप उनका अलग कर लिया है, तो ये जो अमीन ग्रुप्स आए हैं हमारे पास, इनके पास नाइट्रोजन है इनमें, तो ये क्या बन जाते हैं? बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। इनमें एक एक हाइड्रोजन जोड़ करके क्या इनको बना दिया जाता है? अमोनिया इनका बना दिया जाता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, बहुत पानी चाहिए होता है रिमूव करने के लिए, इतना पानी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? हमारे लिवर में चलेगी यूरिया साइकिल, जिसमें कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में, ठीक है, यूरिया में। और
यूरिया को हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ये कंपेरेटिवली लेसर टॉक्सिक फॉर्म है और इसके रिमूवल के लिए कम पानी चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे अपनी बॉडी से यूरिया को बाहर निकालेंगे पानी के साथ उसको मिक्स करके, यानी कि यूरिन बना करके उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं बेटा? यूरियोटेलिक, है ना। हम अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकालते हैं। अच्छा, एक और नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है बेटा, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा था, दैट इज़ यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है बेटा, ये तो लीस्ट टॉक्सिक होता है, ये मतलब यूरिया से भी कम टॉक्सिक होता है। कौन? यूरिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज लीस्ट टॉक्सिक और इसके रिमूवल के लिए रिमूवल रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम पानी चाहिए होता है इसके रिमूवल के लिए। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पानी कम है, जिनके पास पानी कम है, वो क्या करेंगे अपनी बॉडी से यूरिक एसिड, मतलब अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया निकालेंगे अमोनोटेलिक, जो यूरिया निकालेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड निकालेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक, ठीक है। एग्जाम्पल खुद सोचो क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जिनके पास पानी कम है? बर्ड्स ऊपर उड़ रही हैं, हवा में उड़ती हैं, हवा में उड़ने वाले कीड़े, उनके पास बेटा पानी कितना कम होता है ही नहीं इतना पानी, कहाँ से वो अमोनिया और यूरिया निकालेंगे? उनके पास तो पानी की बेहद कमी है, इसीलिए वो क्या करते हैं अपनी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। मतलब उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बाहर निकलता है बेटा, कैसे निकलता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम है ही नहीं उनके पास पानी ज़्यादा, तो वो कैसे अमोनिया कैसे है ना यूरिया निकालेंगे। और बहुत अच्छा हुआ बेटा कि बर्ड्स जो हैं वो आप बोल सकते हो कि यूरिकोटेलिक है। मान लो कि अगर वो अमोनोटेलिक होती या यूरियोटेलिक होती तो अभी तो क्या होता है, सर के ऊपर से चिड़िया निकलती है तो छोटा सा जो है ना पॉटी करके जाती है। अगर वो अमोनोटेलिक और यूरियो या फिर यूरियोटेलिक होती तो भचाक करके बेटा ऐसा पॉटी करती कि पूरा नहा ही जाता इंसान, क्योंकि अमोनिया और यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए तो पानी ज़्यादा चाहिए ना। अच्छा ही हुआ चिड़िया क्या करती हैं, यूरिकोटेलिक होती हैं, यूरिक एसिड जो है ना बॉडी से रिमूव करती हैं। अगर मान लो कि अमोनिया उन्होंने करना शुरू कर दिया एलिमिनेट अपनी बॉडी से, तो इतना सारा पानी चाहिए रहेगा, भचाक करके पॉटी करेंगे नहा जाएगा इंसान, ठीक है। बर्ड्स के अलावा रेप्टाइल्स, वो होती ना छिपकली, छिपकली की कभी तुमने पॉटी देखी है? कितनी ड्राई सी होती है, उसमें भी क्या होता है? यूरिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये क्या होते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड निकालेंगे। मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं, और पानी में रहने वाले कीड़े एम्फीबियंस मेंढक के टेटपोल्स वो सब क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं। अब आगे बात समझ में कि मैम अब कुछ मुद्दा जो है ना मतलब क्लियर हुआ है, क्लैरिटी हमको मिली है कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी से अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं। आई रिपीट, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन। टेंथ के लेवल पर, ठीक है, टेंथ के लेवल पर बेसिकली तुम्हें जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना बेटा, टेंथ के लेवल पर तुम्हें जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना, उसको बॉडी से कैसे रिमूव किया जाता है वो सीखना होता है। सवाल यह है कि ये मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बना कैसे, तो वही सब तुमको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तीन तरह के होते हैं मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। के जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं वो कहाँ आते हैं? लिवर में आते हैं। लिवर क्या करता है? उन अमीनो एसिड्स को तोड़ देता है, उनका बेसिकली अमीन ग्रुप जो है वो अलग कर लेता है। अमीन ग्रुप में क्या है बेटा? नाइट्रोजन है, तो वो खुद ही क्या बन गया है? एक नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया है। एक एक अमीनो ग्रुप में जो है ना हाइड्रोजन को जोड़ करके क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। भाई अमीन ग्रुप क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो है। एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या बन गया? अमोनिया बन गया।
इतना पानी नहीं है हमारे पास इसको बाहर निकालने के लिए, इसलिए क्या चली, यूरिया साइकिल चली, जिसमें कि क्या हुआ, अमोनिया कन्वर्ट हुआ यूरिया में और फिर यूरिया को हम क्या करते हैं अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं पानी के साथ मिक्स करके। ठीक है, कैसे, तो देखो लिवर में बेटा ये सब कुछ कहाँ होता है ना, लिवर में होता है, ये जो यूरिया साइकिल है ना बेटा ये लिवर में चलती है ना, यानी कि लिवर में यूरिया बन चुका है। अब क्या करेगा लिवर, लिवर के पास जो ब्लड आएगा, या आप ये बोल लो हाँ लिवर के पास जो ब्लड आएगा उस ब्लड में, उस ब्लड में बेटा लिवर यूरिया डाल देगा। ब्लड क्या है बेटा, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसका तो काम ही है बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करने का। तो लिवर के पास जैसे ही ब्लड आया, ब्लड ने बोला कि लिवर ने बोला कि देखो भैया मेरा काम था क्या, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट करना, मैंने कर दिया है, ये लो यूरिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मतलब कि लिवर में जो यूरिया बना वो यूरिया कहाँ आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो पता है होगा क्या आगे, अब जो हमारी किडनीज होती हैं दो यहाँ होती हैं पीछे की तरफ ऊपर, इन किडनीज के अंदर आता है ब्लड जिसमें कि मिला होता है यूरिया। दोनों किडनीज पता है क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं, और फिल्ट्रेशन से क्या होता है, किडनीज बोलती हैं कि यार ब्लड तुम जो आए हो हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर तो यूरिया भरा है, लाओ अपना यूरिया हमको दो, यानी कि किडनीज ब्लड से यूरिया बाहर निकाल लेती हैं। ना सिर्फ यूरिया बल्कि जो किडनीज होती हैं वो ब्लड से पानी भी निकाल लेती हैं। क्यों, अरे यूरिया को बाहर निकालना ना तो कैसे निकालेंगे, पानी चाहिए ना थोड़ा बहुत, भले ही थोड़ा चाहिए लेकिन चाहिए तो ना पानी। तो जैसे ही ब्लड आया किडनीज के अंदर, किडनीज ने क्या करा, ब्लड से यूरिया और पानी निकाल लिया, यूरिया और पानी को मिक्स करा, क्या बन गई, यूरिन बन गई, यानी कि किडनीज में क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। फिर किडनीज में जो यूरिन बनती है बेटा वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचती है, और फिर ब्लैडर से क्या होता है वो जो यूरिन है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो हो गया ना मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो इतना तुम्हें समझ में आया। अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ कि लिवर से कहाँ जाएगा, लिवर से नाइट्रोजनस वेस्ट जाएगा ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगा, हमारी किडनीज में। किडनीज में क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, यूरिया बाहर निकाला जाएगा, पानी बाहर निकाला जाएगा, यूरिन बनाई जाएगी, और फिर अल्टीमेटली उस यूरिन को हम क्या करेंगे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, तब जा करके एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है कंप्लीट हमारी बॉडी में। तो अब एक काम करते हैं बेटा, अब हम पढ़ सकते हैं क्या, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ ले, आ जाओ। तो बेटा हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आ जाओ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो होते हैं या होती हैं दो किडनीज, सबके पास दो होती हैं बेटा, कभी कभी एक किडनी फेल हो जाती है, तो अगर किसी की एक किडनी फेल हो गई है ठीक है तो दूसरी किडनी तो मतलब फंक्शनल रहती है। हर इंसान के पास बेटा देखो बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट दो ही किडनीज होती हैं, दोनों काम करती हैं ज़िंदगी भर, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में एक किडनी खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो क्या वो इंसान मर जाएगा, नहीं, जो उसकी दूसरी किडनी होगी ना वो तो काम करेगी। हाँ अगर दोनों ही किडनीज फेल हो गई तो बात अलग है, मर जाएगा इंसान, है ना, अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा इंसान, बट अदरवाइज तो काम चल जाता है एक किडनी से भी, ठीक है, लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट दो ही किडनीज होती हैं। तो दो किडनीज होती हैं, दो यूरेटर्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये यूरेटर्स क्या होते हैं, दो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं बेटा, दो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो किडनीज में बनी यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के आती हैं। तो किडनीज हो गई दो, उसके अलावा दो यूरेटर्स हो गए, मस्कुलर ट्यूब्स हो गई हैं, और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर, ये एक ही होता है, मस्कुलर सैक होता है जिसमें कि यूरिन आकर के स्टोर होती है, कुछ 700-800 ml तक की इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है यूरिथ्रा। अब आप बोलोगे कि मैम ये यूरिथ्रा क्या होता है, तो बेटा एक छोटा सा पैसेज होता है जिसके थ्रू, या ये एक छोटा सा पैसेज होता है, ये एक छोटा सा ट्यूबुलर पैसेज होता है जिसमें कि ये ब्लैडर ओपन होता है, और अल्टीमेटली इसी पैसेज के थ्रू क्या होता है हम अपनी बॉडी से यूरिन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे
एक्सक्रीटरी सिस्टम के, दो किडनीज, दो यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आ जाओ अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, किडनीज की। आ जाओ, किडनीज दो होती है नंबर में, सबके पास है ना दो। कोई ऐसा इंसान जो ऐसा बच्चा जो बोले कि नहीं नहीं मैम मेरे पास तो केवल एक ही है बाय बर्थ, सबके पास दो होती है ना, टू इन नंबर। उसके अलावा इनका शेप कैसा होता है, तो बीन शेप्ड होती है बेटा ये। राजमा खाया है, राजमा, बिल्कुल राजमे के जैसी ही होती है शेप में, बीन शेप्ड। अरे राजमा का शेप कैसा होता है बेटा, लाइक दिस, ये ऐसा ऐसा था ना शेप राजमे का, तो बिल्कुल राजमे की शेप जैसी ही होती है अपनी दोनों किडनीज, है ना, बीन शेप्ड। उसके अलावा राजमे का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, है ना। तो लिटरली बेटा किडनीज का भी कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। इनका भी क्या कलर होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। साइज डायमेंशंस आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, मतलब टेंथ में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता भी रही हूँ कि किडनी का साइज कितना होता है, वो छोड़ दूँ। बस कलर याद रखो, शेप याद रखो और नंबर याद रखो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकेशन, किडनीज पाई कहाँ जाती हैं। तो बेटा दोनों किडनीज पाई जाती हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, डॉर्सल साइड पर, एट द डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बारे में 180 बार बता चुकी हूँ, अब नहीं बताऊंगी, ठीक है। अरे भाई अपना डायफ्राग्म होता है ना, अंदर पूरी बॉडी कैविटी, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मस्कुलर पार्टीशन डायफ्राग्म, जो बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाली पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पर अपना स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ जो है ना पाया जाता है, ठीक है। तो इसी एब्डोमिनल कैविटी में बेटा पीछे की तरफ, आपको लगेगा कि मैम किडनीज आगे होती हैं, आगे नहीं होती हैं, पीछे होती हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, डॉर्सल साइड। बेटा डॉर्सल का मतलब क्या है, पीछे, और वेंट्रल का मतलब क्या है, आगे। ये हमारी बॉडी का वेंट्रल साइड होता है और ये हमारी बॉडी का डॉर्सल साइड होता है, पीछे वाला साइड होता है, ठीक है। तो किडनीज कहाँ पाएंगी, कहाँ पाई जाएंगी, तो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाएंगी, और वो भी कहाँ, पीछे की तरफ, टू बी मोर स्पेसिफिक, वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड एक एक किडनीज पाई जाती हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं, ऑन द ईदर साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ऑन द ईदर साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। बेटा अपनी रीढ़ की हड्डी चलती है ना पीछे, ये पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी चलती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल कॉलम। तो उसी कॉलम के दोनों साइड पर एक एक किडनी पाई जाती है, जैसे कि देखो ये है आपकी वर्टेब्रल कॉलम, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके दोनों साइड पर क्या होगा, एक एक किडनी पाई जाएगी, लाइक दिस और लाइक दिस। ये तो बिल्कुल आम बन गया बेटा, आम नहीं है ये, किडनी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, राइट वाली जो किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे खसकी होती है, रीज़न, राइट वाली, भाई दो किडनीज है ना, एक ये एक ये, एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पर, और एक एक किडनी कहाँ होगी, वर्टेब्रल कॉलम के एक एक साइड पर, ठीक है। तो सपोज यहाँ एक किडनी, यहाँ एक किडनी, लेकिन जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ, आप बोल सकते हो कि राइट ही हो ना, हाँ, मतलब यहाँ पर जो किडनी होगी ना बेटा वो थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ खिसकी होगी, क्यों, ऊपर लिवर होता है ना, यहाँ पर लिवर होता है ना, लिवर, तो उसको जगह देने के लिए, यहाँ पर लिवर होता है ना, यहाँ पर, तो उसको जगह देने के लिए क्या होता है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे खसक जाती है। इस लिवर के कारण ही क्या होता है बेटा, जो अपना राइट लंग होता है वो छोटा और मोटा हो जाता है ना, और इसी लिवर के कारण नीचे क्या होता है, मतलब जो राइट वाली किडनी वो थोड़े से नीचे चली जाती है, ये नहीं कि बहुत ही ऊपर नीचे, बट हाँ स्लाइटली नीचे, ठीक है। चल अच्छा, दोनों ही किडनीज के ऊपर एक एक ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड भी पाई जाती है, ठीक है। लिवर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, कुछ और ही बन गया ये तो, हाँ, दोनों ही किडनीज के ऊपर
एक एक ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड भी पाई जाती है जिनको अपन बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों किडनीज ने एक एक टोपी पहनी हुई हो, तो इन टोपियों को बेटा अपन क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स, ठीक है। सो दीज आर एड्रेनल ग्लैंड्स। आगे बढ़े, ओके। तो नंबर, शेप, कलर एंड लोकेशन, ये किडनीज के बारे में अपन ने बात कर ली है। उसके अलावा अगर प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करें तो बेटा लिवर बोल रही हूँ, किडनीज के ऊपर दोनों ही किडनीज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको अपन पता है क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। जैसे कि हार्ट के ऊपर होती है पेरिकार्डियम, लंग्स के ऊपर होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, या उसको अपन प्लूरा भी बोलते हैं, है ना। ठीक वैसे ही बेटा किडनीज के ऊपर भी क्या होती है, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दोनों किडनीज के ऊपर, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ओके। अब आ जाओ अपन किडनीज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देखो जो एक किडनी की कहानी है वही कहानी बेटा दूसरी किडनी की भी होगी। तुम ये मत समझना कि मैम आपने तो केवल एक ही किडनी का स्ट्रक्चर बताया है, दूसरी का कौन बताएगा, आपकी सास। नहीं, जो एक किडनी का स्ट्रक्चर है बेटा वही स्ट्रक्चर दूसरी किडनी का भी है, दोनों बहने ही तो हैं, ठीक है। देखो ये हो गई अपनी किडनी, ओके, बीन शेप्ड। आ जाओ इसके ऊपर अपन एक कवर भी लगा देते हैं, रीनल कैप्सूल बना देते हैं लाइक दिस, ये है रीनल कैप्सूल, ठीक है, लिख दें रीनल कैप्सूल। बेटा यहां पर आपको एक सी शेप का डिप्रेशन दिख रहा होगा दोनों ही किडनीज में, ना दोनों ही किडनीज में बेटा, देखो ना दोनों ही किडनीज में आपको ऐसा सी शेप का एक डिप्रेशन देखने को मिलता है, ऐसी कैविटी टाइप की देखने को मिलती है। इस डिप्रेशन को अपन बोलते हैं हाइलम। इस डिप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइलम, है ना। सी शेप्ड ये जो डिप्रेशन है इसे अपन बोलते हैं हाइलम। इसका काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर आएंगी, बाहर निकलेंगी, नर्व्स किडनी के अंदर आएंगी, यूरेटर जो है ना बेटा किडनी के बाहर मतलब निकलेंगे, तो वो ब्लड वेसल्स अंदर आ रही हैं बाहर निकल रही हैं, नर्व्स अंदर आ रहे हैं किडनी के, यूरेटर बाहर निकल रहा है कंटिन्यू हो रहा है, तो वो कहाँ से होगा। तो ये जो हाइलम आपको बेटा दिख रही ना जगह, ये जो आपको जगह दिख रही ना, ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, हाइलम नाम दिया है, इस हाइलम के ही थ्रू ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर आएंगी, बाहर निकलेंगी, एग्जिट मारेंगी, नर्व्स अंदर जाएंगी, यूरेटर बाहर निकलेगा, है ना। तो इस हाइलम के ही थ्रू ये सब होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अलग से, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हाइलम के थ्रू क्या होता है, हाइलम के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स की जरा स्पेलिंग तो देख लो मैंने क्या लिख दिया है, नर्व्स, अरे भाई एंटर करते हैं या एग्जिट करते हैं फ्रॉम किडनीज, ठीक है। तो हाइलम के थ्रू क्या होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करेंगी, एग्जिट करेंगी किडनीज से, ठीक है ना। उसके अलावा यूरेटर्स भी यहीं से एग्जिट मारते हैं, ठीक है। यूरेटर्स भी बेटा हाइलम से ही क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, या आप ये बोल सकते हो कि यूरेटर भी किडनी से कहाँ से जुड़े होते हैं, हाइलम के थ्रू ही। ये नहीं कि यहाँ से निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। ब्लड वेसल्स को अंदर आना है तो वो हाइलम से ही आएंगी, बाहर निकलना है तो यहीं से आएंगी हाइलम से, नर्व्स को अंदर आना है तो वो हाइलम के थ्रू ही जाएंगी,
यूरेटर को जो है ना कंटिन्यू होना है किडनी के साथ, तो वो कहाँ से होगा? हाइलम से ही होगा। ठीक है, चलो अब देखो, किडनी जो होती है बेटा उसके दो रीजन होते हैं इंटरनली, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है किडनी। एक होता है आउटर रीजन और एक होता है इनर रीजन। आउटर रीजन को अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर रीजन को अपन बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, यहां देखो, कुछ इस तरीके से देखो, ये मैं बना रही हूं आउटर कॉर्टेक्स रीजन, और मोटा कर लेते हैं ये। ठीक है, तो ये है आउटर रीजन जिसे अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अरे और ये वाला बेटा अंदर वाला रीजन जिसको मैंने, चलो मैं कलर कर ही देती हूँ ना, क्या जाता है, आ जाओ। ये है इनर रीजन जिसको अपन बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक है, सो दिस वन इज इनर रीजन जिसको अपन बोलेंगे मेड्यूला। तो दोनों किडनीज अंदर की तरफ दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। आउटर रीजन को अपन बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? मेड्यूला। ठीक है, अभी जो मेड्यूला रीजन है बेटा, यहाँ पर आपको कुछ पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे अंदर वाले रीजन में। मेड्यूला रीजन में आपको पिरामिड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखो कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ये ऐसे पिरामिड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये पिरामिड शेप के हैं इसलिए इनका नाम ही पिरामिड पड़ जाता है, और क्योंकि ये मेड्यूला रीजन में है किडनी के, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं पता है? मेड्यूलरी पिरामिड्स। शेप पिरामिड जैसा है, मेड्यूला रीजन में पाए जा रहे हैं, तो नाम क्या पड़ गया? मेड्यूलरी पिरामिड्स। लिख दो यहां पर मैं, दीज आर मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, आप देखो हर एक पिरामिड जो होता है बेटा, हर एक मेड्यूलरी पिरामिड एक छोटी सी ट्यूब में जाकर के ओपन होता है। बहुत ध्यान से सुनना यहां पर मैंने क्या बोला, हर एक मेड्यूलरी पिरामिड एक छोटी सी ट्यूब में जाकर के ओपन होता है। ये देखो, ये दिख रही है, ये छोटी सी ट्यूब, ये छोटी सी ट्यूब, लाइक दिस, ये, या इसको मुझे देखो ऐसे बनाना चाहिए, रुको, ये देख, ये देखो, हर एक मेड्यूलरी पिरामिड बेटा एक छोटी सी ट्यूब में जाकर के ओपन हो रहा है। ये देखो, ये छोटी सी ट्यूब, ये छोटी सी ट्यूब, तो इन छोटी छोटी ट्यूब्स को अपन पता है क्या बोलते हैं? माइनर कैलिसिस। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस। प्लूरल होता है कैलिसिस और सिंगुलर होता है माइनर कैलिक्स। हर एक मेड्यूलरी पिरामिड एक छोटी सी ट्यूब में जाकर के ओपन होता है, और उस छोटी सी ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। प्लूरल क्या होता है? माइनर कैलिसिस। ठीक है, कैलिसिस ये प्लूरल है। फिर ये सारे के सारे बेटा जो माइनर कैलिसिस हैं, ये दो तीन बड़ी ट्यूब्स में जाकर के ओपन होते हैं। मैंने क्या बोला? हर एक पिरामिड एक छोटी सी ट्यूब में जाकर के खोला, जिसको अपन ने क्या बोला? माइनर कैलिक्स। अब बहुत सारे कैलिसिस, माइनर कैलिसिस दो तीन बड़ी ट्यूब में जाकर के खुलते हैं, और उन दो तीन बड़ी ट्यूब्स को अपन क्या बोलते हैं? मेजर कैलिसिस। ज्यादा नहीं होते हैं मेजर कैलिसिस, एक किडनी में दो तीन ही होते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, कुछ इस तरीके से,
रुको, ये अच्छे से नहीं बन रहा है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर तीन मेजर कैलसेस दिख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ। ये देखो, एक ये मेजर कैलिक्स हो गया, एक ये मेजर कैलिक्स हो गया और एक ये मेजर कैलिक्स हो गया। हो गया। तो अपन बाहर से शुरुआत करते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? किडनी की रीनल कैप्सूल, ठीक है। ये जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है, ये क्या है? हाइलम है। दो पार्ट्स में या दो रीजन्स में किडनी इंटरनली डिवाइडेड होती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। मेड्यूला में यहाँ पर आपको पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इनको अपन क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड। हर एक पिरामिड जो होता है वो एक छोटी सी ट्यूब में जाकर के ओपन होता है। इन छोटी छोटी ट्यूब्स को अपन क्या बोलते हैं? माइनर कैलसेस। ये सारी की सारी माइनर कैलसेस ओपन होती हैं दो से तीन बड़ी ट्यूब्स में, जिनको अपन बोलते हैं मेजर कैलसेस, ठीक है। सो दीज आर मेजर कैलसेस, दीज आर मेजर कैलसेस, ठीक है। और फिर ये जो मेजर कैलसेस होते हैं बेटा, इनको मुझे एग्जैक्टली ऐसे लिखना चाहिए। देखो, ये जो नीचे बना देती हूँ, मेजर कैलिक्स या प्लूरल क्या होता है? कैलसिस, ठीक है। फिर ये जो मेजर आप बोल सकते हो कि कैलसिस होते हैं, ये बेटा जाकर के ओपन होते हैं एक फनल शेप्ड की स्पेस में। यहाँ पर देखना आपको, अरे रुको 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 रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, चलो इसको अपन ठीक कर देते हैं। मैंने अच्छा खासा यहाँ पर बनाया था, वो रब हो गया, कोई बात नहीं, इसको अपन ठीक कर देते हैं। ये हो गई आपकी माइनर कैलसिस और ये हो गए आपके मेजर कैलस, ठीक है। तो ये तीनों बेटा मेजर कैलिक्स, तीनों मेजर कैलिक्स, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों मेजर कैलिक्स ओपन होते हैं जाकर के एक फनल शेप्ड के स्पेस में। यहाँ पर देखो, एक आपको स्पेस दिखेगी बेटा, एक स्पेस यहाँ पर आपको दिखने वाली है। ये दिख रही है स्पेस, ये दिख रही है स्पेस, ये। और इसका शेप कैसा है? फनल जैसा। फनल समझते हो ना, ये होता है फनल, जैसे कि पेट्रोल पंप में क्या करते हैं, बॉटल में पेट्रोल डालते हैं। तो माइनर कैलसेस ओपन हुए मेजर कैलसेस में, मेजर कैलसेस जाकर के ओपन होंगे एक फनल शेप्ड की स्पेस में। खाली जगह है बेटा, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, है ना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैम ये कोई स्ट्रक्चर है, तो नो, इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर। वो सिर्फ एक स्पेस है जहाँ पर मेजर कैलसेस जाकर के ओपन हो रहे हैं। और उस स्पेस की खास बात क्या है कि उसका जो शेप है वो फनल जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये क्या है? फनल शेप्ड स्पेस है, जिसे अपन बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। इस जगह का नाम भी है। तो मेड्यूला में है मेड्यूलरी पिरामिड्स, हर एक पिरामिड ओपन होगा छोटी ट्यूब में। छोटी ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। प्लूरल क्या होगा? माइनर कैलसेस। माइनर कैलसेस जाकर के ओपन होती हैं दो तीन बड़ी ट्यूब्स में, जिनको अपन बोलते हैं मेजर कैलसेस। जो दो तीन मेजर कैलसेस होते हैं वो आगे जाकर के ओपन होते हैं फनल शेप के एक स्पेस में, और उसी फनल शेप्ड स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? पेल्विस। तो ये क्या है? देखो बच्चों, पेल्विस है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम पेल्विस से क्या होगा? तो बेटा पेल्विस से फिर आगे कंटिन्यू होता है क्या? यूरेटर। ये पूरा एक लिंक है बेटा। अगर तुम्हें लिंक समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये क्यों पढ़ा रही हूँ? क्या रीजन हो सकता है पढ़ाने में? क्योंकि ये पूरा लिंक है, ठीक है।
तो माइनर कैलेसिस, मेजर कैलेसिस. मेजर कैलेसिस कहाँ ओपन हुए? एक फनल शेप्ड की स्पेस में, जिसको अपन बोलते हैं पेल्विस. और फिर पेल्विस से क्या होता है? कंटिन्यू होता है यूरेटर. तो यहाँ पर मैं बना दूँ क्या? यूरेटर, ये देखो यहाँ से आया यूरेटर. दिस इज यूरेटर. वो एक्चुअली किडनीज के बाहर से आने वाला है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया, समझ जाना. ठीक है, तो पेल्विस से क्या हुआ? कंटिन्यू हुआ यूरेटर. तो आप खुद देखो, यूरेटर कहाँ से बाहर निकला है? किडनी से, हाइलम से ही तो ना. हाइलम क्या है बेटा? एक डिप्रेशन है ना. ब्लड वेसल को अंदर आना है तो वो किडनी के अंदर कहाँ से आएगी? हाइलम से ही आएगी. ब्लड वेसल को अगर किडनी से बाहर निकलना है तो वो कहाँ से निकली? हाइलम के थ्रू ही निकलेगी. यूरेटर भी देखो, यूरेटर को भी क्या करना है? किडनी से बाहर निकलना है. कैसे निकलेगा? हाइलम के थ्रू ही. नर्व्स को अंदर जाना है किडनी के, तो वो कैसे जाएंगी? हाइलम के थ्रू ही जाएंगी. तो ये जो पेल्विस है बेटा, फनल शेप्ड की स्पेस जहाँ पर मेजर कैलेसिस आकर के खोल रहे हैं, ये पेल्विस से फिर क्या होगा? आगे कंटिन्यू होगा यूरेटर. यानी कि यहाँ पर जो भी यूरिन बनेगी अंदर, यहाँ पर जो भी यूरिन बनेगी अंदर, वो अल्टीमेटली क्या होगा? कहाँ आएगी? पेल्विस में आएगी. पेल्विस से कहाँ आएगी? यूरेटर में आएगी. और फिर यूरेटर से क्या होगा? कहाँ जाएगी? ब्लैडर में जाएगी. ठीक है, तो और एक चीज़ और, जो एक किडनी की कहानी है बेटा, वही कहानी दूसरी किडनी की भी है ना. ये मत समझना कि मैम आपने तो केवल एक ही किडनी के बारे में बताया है. बेटा दूसरी किडनी में भी ऐसे ही होगा. आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, मेड्यूला में मेड्यूलरी पिरामिड्स, माइनर कैलेसिस, मेजर कैलेसिस. मेजर कैलेसिस जाके ओपन होंगे क्या? फनल शेप की स्पेस में, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पेल्विस. पेल्विस से क्या होगा? फिर कंटिन्यू होगा यूरेटर, लाइक दैट. ठीक है, चलो. अब ये तो अपन ने बेटा किडनी के बारे में पूरी बात कर ली है, उसका उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है. अब ज़रा अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं किडनीज के ऊपर. आप बोलोगे मैम अब बचा क्या है? बेटा बचा ये है कि अब आपको ये समझना होगा कि किडनी के अंदर काम कौन करता है. किडनी के अंदर काम कौन करता है, अब आपको ये समझना होगा. तो किडनी के अंदर काम करते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स, जिनको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन्स. एक्चुअली किडनी के स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को करने वाले होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स, जिनको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन्स. और इसीलिए अपन क्या बोलते हैं नेफ्रॉन्स को? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज. की किडनीज के स्ट्रक्चर को बनाना, किडनीज का काम करना, किसका काम होता है? नेफ्रॉन्स का काम होता है. हमारी हर एक किडनी में बेटा एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स एक्चुअली सेल्स ही होते हैं, और एक एक किडनी में एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे. मतलब कि वी ऑल आर मिलेनियर्स. ठीक है, चलो. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि किडनी में काम किसको करना है. किडनी में एक्चुअली काम करना है नेफ्रॉन्स को. ठीक है, सो द स्ट्रक्चरल, क्या हुआ भाई, बोर्ड भी पगला गया. यहाँ देखो नेफ्रॉन्स क्या है बेटा? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज. किडनीज के स्ट्रक्चर को बनाना, काम करना किसका काम होता है अंदर? नेफ्रॉन्स का ही होता है. ईच किडनी हैज वन मिलियन नेफ्रॉन्स. ये एक्चुअली क्या होते हैं बेटा? सेल्स ही होते हैं ना. ऐसे नहीं कि कुछ आप समझो कि कुछ और ही है मैम. सेल्स ही हैं ये, एक्चुअली सेल्स ही हैं ये. ठीक है, अब आ जाओ अपन एक काम करते हैं, टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. फंक्शनिंग कैसे होगी? देखो नेफ्रॉन्स की फंक्शनिंग का मतलब क्या है कि आप ये समझो कि किडनीज कैसे काम कर रही हैं, किस तरीके से. मोटा मोटा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लिवर में जो ब्लड आता है उसमें वो क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट डाल देता है. फिर वही नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचता है? किडनीज के पास पहुँचता है. किडनीज में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं. वो क्या करते हैं? वो नेफ्रॉन्स ब्लड में से यूरिया और पानी को बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है, और ब्लड को बोलते हैं कि जाओ वापस जाओ. भाई किडनीज के लेवल पर जो ब्लड आता है वो क्यों आता है? किडनीज के लेवल पर जो ब्लड आता है ना, किडनीज के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्लड को भी पता है कि उसके अंदर क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको टाइमली बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा. तो किडनीज के अंदर जो ब्लड आया था वो इसलिए आया था ताकि उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को हटा दिया जाए. तो किडनीज के जो नेफ्रॉन्स, उन्होंने क्या करा? ब्लड में से यूरिया और पानी बाहर निकाल लिया. यानी कि अब क्या हो गया? ब्लड साफ हो गया, मतलब कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट हट चुका है. तो अब क्या होगा? वो ब्लड किडनी से वापस बाहर निकलेगा, मतलब बॉडी में जाएगा, है ना.
उसके अलावा नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, नेफ्रॉन्स ने जो ब्लड से पानी और जो यूरिन, नेफ्रॉन्स ने जो ब्लड से पानी और यूरिया बाहर निकाला था, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, मतलब यूरिन बनाएंगे, और फिर वो यूरिन क्या होगी, पेल्विस रीजन में आएगी किडनी के, है ना, किडनी के पेल्विस रीजन में आएगी, वहाँ से यूरेटर में आएगी, यूरेटर से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी, और फिर जब ब्लैडर भर जाएगा तो अपन उसको बाहर निकाल देंगे बॉडी के। ठीक है, ये पूरा आपको लिंक समझ में आया? तो मोटा मोटा तो आपको समझ में आ ही गया है कि किडनीज में जो नेफ्रॉन्स हैं वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, वो ब्लड को प्योरीफाई करने वाले हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करने वाले हैं, यूरिया और पानी को वो बाहर निकालने वाले हैं ब्लड से, और क्या बनाएंगे, यूरिन बनाएंगे। सिर्फ ये तो नहीं ना कि किडनीज ने क्या करा, बस जो ना ब्लड को फिल्टर कर दिया, ब्लड में से नाइट्रोजनस विष और पानी को बाहर निकाल दिया। अरे ब्लड को तो प्योरीफाई करा ही करा, लेकिन उसके साथ साथ यूरिन भी तो बनाई है ना। तो किडनीज के दो मेजर काम होते हैं बेटा, एक होता है ब्लड का प्योरिफिकेशन और एक होता है यूरिन फॉर्मेशन। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन कैसे होगा, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, ये अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन वो पढ़ने के पहले आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना होगा, तब जा करके आप ब्लड प्योरिफिकेशन और यूरिन फॉर्मेशन को समझ पाओगे। ठीक है, तो आ जाओ अपन बात करते हैं नेफ्रॉन की, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अरे रुक जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो, इसके स्ट्रक्चर को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक पार्ट होता है ग्लोमरुलस और एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या बोला मैंने, हम एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं बेटा, और उसके स्ट्रक्चर को मैं मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। एक पार्ट को अपन बोलते हैं ग्लोमरुलस और दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में आता क्या क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है बोमेंस कैप्सूल, PCT मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले जिसको अपन हेनलेज लूप भी बोल सकते हैं, DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और एक लास्ट कलेक्टिंग डक्ट। तो मेजरली मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, ग्लोमरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आता है, बोमेंस कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, आ जाओ अपन एक एक पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ग्लोमरुलस की। व्हाट इज ग्लोमरुलस बेटा, ग्लोमरुलस कुछ नहीं, कैपिलरीज का एक झुंड होता है। कैपिलरीज अपन पढ़ चुके हैं ना। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैपिलरीज कहाँ से आ गई हैं, बताऊंगी अभी के लिए तो बस तुम इतना समझ लो कि ग्लोमरुलस का मतलब क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। अंग्रेजी में झुंड को अपन क्या बोलते हैं, टफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोमरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, मतलब कि कैपिलरीज का एक गुच्छा। तो ये देखो, ये बन गया है क्या, कैपिलरीज का एक गुच्छा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको अपन ने बोला ग्लोमरुलस। कहां से बनी है ये कैपिलरीज का गुच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी, ग्लोमरुलस। ठीक है, इसके नीचे पता है क्या होता है, एक कप शेप का स्ट्रक्चर, एक कप शेप का स्ट्रक्चर इसके नीचे कुछ इस तरीके से होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर, और इसी कप शेप्ड के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, सो दिस इज बोमेंस कैप्सूल, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कप जैसे दिख रहा है ना, अरे जो तुम चाय पीते हो ना बेटा, कप में डाल के पीते हो कि नहीं पीते हो, तो कप का शेप कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है ना, कि कुछ अलग सा होता है, ऐसे ही तो होता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। अब इस बोमेंस कैप्सूल के कंटेनेशन में बेटा एक ट्यूब्यूलर पार्ट आता है, इस बोमेंस कैप्सूल के कंटेनेशन में एक ट्यूब्यूलर पार्ट आता है, और वो ट्यूब्यूलर पार्ट हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड होता है, लाइक दिस, ये देखो,
ये दिख रहा है, ये एक ट्यूबुलर पार्ट है जो हाईली कॉइल्ड है। तो इस हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर पार्ट को अपन बोलते हैं PCT, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये एक ट्यूबुलर पार्ट है, इसके लिए इसके नाम में क्या आ गया, ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल कैसा है, कॉन्व्यूलेटेड है, मतलब कि कॉइल्ड है ना बेटा। एक एक किडनी में एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन ये जो नेफ्रॉन्स होंगे ना बेटा, ये छोटे होंगे, ऐसे बड़े बड़े तो हो नहीं सकते हैं। इसीलिए ये जो मैं आपको PCT की बात बता रही हूँ बेटा, ये जो ट्यूबुलर पार्ट की मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये हाईली कॉइल्ड होगा। अगर हाईली नहीं तो एटलीस्ट कॉइल्ड तो होगा ही होगा। तो बोमेंस कैप्सूल के कंटिन्यूशन में एक ट्यूबुलर पार्ट आता है जो कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड को ही बेटा अपन एक और अंग्रेजी के शब्द में क्या बोलते हैं, कॉन्व्यूलेटेड, ठीक है। और क्योंकि ये प्रॉक्सिमल एंड पर है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब आप बोलोगे कि मैं प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, बेटा प्रॉक्सिमल का मतलब ये कि जो पास है, जैसे कि कैसे बताऊं, जैसे कि मेरा हाथ है, ठीक है, मेरे हाथ के दो एंड है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। बेटा मेरा हाथ ना तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसके दो एंड है, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये वाला एंड मेरे मेन बॉडी के नज़दीक है, पास है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। और ये वाला जो एंड है ना, ये मेरे मेन बॉडी से दूर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब समझ में आया, प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। तो अगर तुम ये वाले ट्यूबुलर पार्ट को देखोगे बेटा, तो ये बोमेंस कैप्सूल के पास है ना, तो पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, तो नाम क्या पड़ जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर PCT के ही कंटेनेशन में एक लूप आएगा, ट्यूबुलर लूप आएगा लाइक दिस, ये देखो एक ट्यूबुलर लूप आएगा, और इस लूप को अपन क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के कंटेनेशन में एक और ट्यूबुलर पार्ट आएगा, एक और ट्यूबुलर पार्ट आएगा लाइक दिस। और ये जो ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, ये भी कैसा है, कॉइल्ड है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेकिन देखो ये बोमेंस कैप्सूल से दूर है, तो डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, DCT, मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बात समझ में आई कि नहीं आई, हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेसिकली बेटा, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, ग्लोमेरुलस से हुई। ये क्या है, कैपिलरीज का एक गुच्छा है, गुच्छे के नीचे क्या होता है, एक आप बोल सकते हो कि थिक वॉल्ड, थोड़ी मोटी दीवार का थिक वॉल्ड, कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के कंटेनेशन में क्या होता है, एक कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल होती है, मतलब कि कॉइल ट्यूब्यूल होती है, जिसको अपन बोलते हैं PCT, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों बोला, क्योंकि ये वाली ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल के पास है। इसके कंटेनेशन में क्या होता है, एक लूप आता है जिसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के कंटेनेशन में क्या होता है, एक और ट्यूबुलर पार्ट आता है, वो भी कॉइल्ड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और क्योंकि ये ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल से दूर है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, DCT, मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बेटा, ये अल्टीमेटली ओपन होने वाली है जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में। किस में, कलेक्टिंग डक्ट में। आप बोलोगे कि मैम इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट क्यों रखा, क्योंकि बेटा वाकई में ये डक्ट पता है क्या करने वाली है, कलेक्ट करने वाली है किसको, यहीं पर तो बनेगी यूरिन, यहीं पर बनेगी यूरिन। तो यूरिन जो यहां पर बन रही है नेफ्रॉन में, वो अल्टीमेटली कौन कलेक्ट करेगा, यही कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा एक कलेक्टिंग डक्ट में ना कई सारे नेफ्रॉन्स के DCTs आकर के खुलते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये जो नेफ्रॉन है इसका DCT जाकर के ओपन हो रहा है इस कलेक्टिंग डक्ट में। वैसे ही और भी कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके भी क्या होगा, जो DCTs हैं, ठीक है, उनके भी जो DCTs हैं वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आकर के देखो कुछ इस तरीके से खोलेंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे कि मैम कितने होते हैं कलेक्टिंग डक्ट, तो बेटा कलेक्टिंग डक्ट भी बहुत सारे होते हैं बेटा। एक एक किडनी में एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स हैं,
एक नेफ्रॉन का एक डीसीटी है, एक नेफ्रॉन का एक डीसीटी, तो एक मिलियन, अगर हम एक किडनी की बात करें तो एक मिलियन नेफ्रॉन्स के एक मिलियन डीसीटीज होंगे। तो इतने सारे डीसीटीज को कलेक्ट करना आसान बात तो है नहीं, तो इसलिए कलेक्टिंग डक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, बट ऑब्वियसली एक मिलियन नहीं होते हैं, कम होंगे लेकिन होंगे, क्योंकि कई सारे जो नेफ्रॉन्स है बेटा, जो उनके डीसीटीज हैं, वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के खुलते हैं। और फिर जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो कहाँ जाकर के ओपन होंगे, सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जाकर के ओपन होंगे पेल्विस में। यानी कि यहां पर जो यूरिन बनी नेफ्रॉन्स में वो कहाँ गई, कलेक्टिंग डक्ट्स में गई। और कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ जाकर के ओपन हुए, कलेक्टिंग डक्ट्स जाकर के ओपन हुए इस पेल्विस रीजन में। यानी कि जो यूरिन थी नेफ्रॉन्स से निकल करके कहाँ आई, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आ गई यूरिन, पेल्विस में आ गई। पेल्विस से क्या होगा, यूरेटर कंटिन्यू होता है ना, तो यूरिन कहाँ आ जाएगी, पेल्विस से यूरेटर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पाथवे क्या रहा यूरिन का, कि नेफ्रॉन्स में यूरिन बनी, फिर वहां से कहां जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में, और पेल्विस से कहां, यूरेटर्स में, क्योंकि दो किडनीज है ना बेटा, दोनों में ही सेम कहानी है, दोनों ही किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों ही नेफ्रॉन्स के जो मतलब दोनों ही किडनीज के जो एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, उनके जो एक एक मिलियन डीसीटीज हैं, वो जाकर के ओपन होंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में। तो दोनों ही किडनीज में जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं बेटा, वहां पर क्या है कि यूरिन आएगी। दोनों ही किडनीज के जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो जाकर के ओपन होंगे कहाँ, पेल्विस में, और पेल्विस से क्या होगा, यूरिन कहाँ चली जाएगी, दोनों ही किडनी से निकलने वाले यूरेटर्स में, और वहां से कहाँ, ब्लैडर में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में, अब सबसे जरूरी काम, आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बेटा इतना ही समझना है। ठीक है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ फैली, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यही आपको समझना है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ रह गई समझाने की, वो ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कि मैम ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का गुच्छा कैसे बन जाता है, आप प्लीज़ हमको ये समझाओ। तो देखो, इसके लिए आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, विनियोल्स और वेन्स का जो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है ना, अपन पढ़ चुके हैं। कैसे, लार्जेस्ट आर्टरी आई एओटा, वो डिवाइड हुई पतली पतली ब्रांचेज में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टरीज, या आ गई आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज और पतली पतली ब्रांचेज में डिवाइड हुई, जिनको अपन ने क्या नाम दिया, आर्टेरियोल्स। सो दीज आर आर्टेरियोल्स। हर एक आर्टेरियोल बेटा और पतली पतली ब्रांचेज में डिवाइड कर गया। ठीक है, एओटा, आर्टरीज, आर्टरीज से बने आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स से देखो और पतली पतली ब्रांचेस बन गई हैं, फाइन ब्रांचेस बन गई, इनको अपन क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। ये कहाँ घुस जाएंगी, कैपिलरीज ऑर्गन के अंदर घुस जाएंगी, नेटवर्क बना लेंगी। फिर क्या होगा, कैपिलरीज के अंदर का जो ब्लड है और ऑर्गन के जो टिश्यू है, टिश्यू की जो सेल्स हैं, तो उन सेल्स और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस क्या होगा, ये कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट करेंगी, है ना, ये कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट करेंगी लाइक दिस। ठीक है, ये कैपिलरीज बेटा एक बार फिर से जुड़ जाएंगी, यूनाइट कर जाएंगी, और यूनाइट करने के बाद क्या होगा, एक कंपैरेटिवली मोटी ब्रांच बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, विनियोल। क्या बोलेंगे, विनियोल। ऐसे ही और भी कई सारे विनियोल्स इकट्ठा होकर के एक मोटी सी ब्लड वेसल बना लेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। और ये वेन अल्टीमेटली क्या होगा, किसी ना किसी वेना केवा में, दो वेना केवा होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, उसमें जा करके ये वो ओपन हो जाएगी। तो ये पूरा लिंक आपको याद है ना, एओटा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, कैपिलरीज एक बार फिर से क्या हुई, यूनाइट हुई, तो क्या बन गए, विनियोल्स बन गए।
विनियोल्स इकट्ठा होकर किस में ओपन हुए, मतलब विनियोल्स इकट्ठा हुए कंपेरेटिवली एक मोटर, एक मोटी यू नो ब्लड वेसल बन गई जिसको अपन ने क्या नाम दिया, वेन नाम दिया, और यही वेन्स जो होंगी ना बॉडी की वो सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा में जा करके ओपन हो जाएंगी। इतना तुमको याद है। चलो अब देखो, तुमको मैंने क्या समझाया था कि किडनीज में जो हाइलम रीजन होता है वहीं से आप बोल सकते हो कि ब्लड वेसल आती जाती हैं। अरे मेरी किडनी ही नहीं बन पा रही है भाई, रुको। ठीक है, किडनी का ये जो हाइलम आप बोल सकते हो कि पार्ट होता है, यहीं से ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है और एग्जिट होती है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये आई एओटा, क्या आई एओटा, और किडनी के लेवल पर आकर के ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर गई। किडनी के बेटा लेवल पर आकर के ये दो ब्रांचेस में कुछ इस तरीके से डिवाइड हो गई। तो अब आप मुझे खुद ही बताओ, अपने दिल पर हाथ रख करके बेटा ये बात बोलना, एओटा जब ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो उन ब्रांचेस को अपन क्या बोलते हैं, एओटा जब ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये देखो ना, एओटा आई और दो ब्रांचेस में आकर के डिवाइड हो गई जब किडनीज का लेवल आया, और इन्हीं ब्रांचेस को अपन क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलेंगे। और क्योंकि हर एक आर्टरी किसके अंदर घुस रही है, किडनी के अंदर, और किडनी के लिए अपन कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रीनल। जब किडनी में स्टोन होते हैं तो क्या बोलते हैं, रीनल स्टोन्स। किडनी के ऊपर की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। तो किडनी के लिए अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेटा रीनल। तो क्योंकि ये आर्टरीज कहाँ जा रही हैं, दोनों एक एक किडनी के अंदर जा रही हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरीज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है बेटा, रीनल आर्टरीज है। मैं नीचे लिखती हूँ, कहाँ लिखूँ यार, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, ये दोनों क्या है, रीनल आर्टरीज हैं। तो एक आर्टरी गई एक किडनी में, है ना, यहाँ पर दूसरी किडनी होगी बेटा, और ये वाली आर्टरी आ गई ये वाली किडनी में, आ गई। चलो अब आर्टरी आई है बेटा, रीनल आर्टरी आई है किडनी के अंदर, अब क्या होगा, खुद ही दिमाग लगाओ, आर्टरी आर्टेरियोल्स में डिवाइड करेगी। तो सपोज ये जो रीनल आर्टरी है, जो ये वाली रीनल आर्टरी है बेटा, किडनी के अंदर आकर के क्या होगा, आर्टेरियोल्स में डिवाइड कर जाएगी। तो ये देखो, ये बन गए आर्टेरियोल्स, ये बन गए आर्टेरियोल्स। बहुत सारे बेटा आर्टेरियोल्स बनते हैं, है ना। यहाँ पर तुमको लग रहा होगा कि मैम केवल दो ही बने हैं आर्टेरियोल्स, बेटा केवल दो नहीं बनते हैं, और भी बहुत सारे बनते हैं आर्टेरियोल्स, जगह नहीं है वरना मैं दिखा देती। बस अभी के लिए इतना सुन लो कि एक किडनी में एक ही रीनल आर्टरी घुसेगी, है ना। ये मत बोलना कि मैम आर्टेरियोल्स बहुत सारे तो आर्टरीज भी बहुत सारी होंगी, नहीं। एओटा आई, दो ब्रांच में डिवाइड हुई, दो आर्टरीज में डिवाइड हुई, हर एक आर्टरी एक एक किडनी के अंदर गई, तो उनका अपन ने नाम क्या रख दिया, रीनल आर्टरीज। ठीक है, तो अब देखो ये रीनल आर्टरी आई है, ये क्या होगा, अंदर आकर के किडनी में आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे आर्टेरियोल्स, लेकिन अभी मैं तुमको केवल एक ही आर्टेरियोल की कहानी बता रही हूँ। देखो जो एक आर्टेरियोल की कहानी है बेटा, वही कहानी दूसरे आर्टेरियोल्स की भी होगी। ठीक है ना, अब देखो ये जो आर्टेरियोल आया है बेटा, अब क्या होगा, दिमाग लगाओ। आर्टेरियोल, आर्टेरियोल क्या होता है, आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो यहां पर भी वही होगा, ये जो आर्टेरियोल आया है ये कैपिलरीज में आकर के डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, दूसरे कलर से बनाऊं, ये देखो ये आर्टेरियोल कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड। अब इन्हीं कैपिलरीज का बेटा क्या होगा, गुच्छा बन जाएगा। अब आई बात समझ में कि मैम ये जो ग्लोमेरुलस है ये कैसे बनता है। तो ग्लोमेरुलस ऐसे बनता है बेटा कि किडनी के अंदर क्या हुआ, रीनल आर्टरी आई, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई, हर एक आर्टेरियोल आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड कर जाएगा, और वही कैपिलरीज क्या करेंगी बेटा, गुच्छा बना लेंगे, और उसी गुच्छे को अपन क्या बोलेंगे, हर एक गुच्छे को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलेंगे। मतलब कि एक रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आई, वो कई सारे आर्टेरियोल्स में, कई सारे आर्टेरियोल्स में, मैं तो कहती हूँ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं ना भाई, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि हर एक किडनी में 1 मिलियन बोमेंस कैप्सूल होंगे, और हर एक बोमेंस कैप्सूल में बैठने के लिए एक कैपिलरीज का गुच्छा तो होना चाहिए ना। तो अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं तो एक किडनी में 1 मिलियन आर्टेरियोल्स भी होंगे, समझे।
तो कुछ इस तरीके से बेटा, रेनल आर्टरी आई, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई, आर्टेरियोल या एक मिलियन आर्टेरियोल, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, एक मिलियन कैपिलरीज तो होंगी ही होंगी, मतलब एक मिलियन कैपिलरीज के टफ्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि देखो हर एक किडनी में एक मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, यानी कि एक मिलियन बोमेंस कैप्सूल हैं, तो एक मिलियन बोमेंस कैप्सूल में बैठने के लिए एक मिलियन ग्लोमेरुलस भी तो होने चाहिए ना। तो रीनल आर्टरी आई, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई, आर्टेरियोल से क्या बन गई, कैपिलरीज बन गई, और कैपिलरीज के गुच्छे बन गए, कितने गुच्छे बन गए, एक मिलियन, जिनको अपन ने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या होगा, कुछ इस तरीके से कैपिलरीज का ऐसे गुच्छा बन जाएगा, ये देखो गुच्छा बन गया, इसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये कहां बैठा होता है, सी शेप के बोमेंस कैप्सूल में। अब क्या होगा, कैपिलरीज के अंदर ऑब्वियसली बात है ना बेटा, यहाँ पर तो पूरा ब्लड फ्लो हो रहा होगा ना भाई, रीनल आर्टरी एओटा आई, उसमें एओटा आया है ना, मतलब एओटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी, उसमें ब्लड है, वो ब्लड आया कहाँ, रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से वो ब्लड कहाँ आएगा, आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स से वो ब्लड कहाँ आएगा, ये कैपिलरीज में, कैपिलरीज के गुच्छे में, ग्लोमेरुलस में, है ना। तो बेटा ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, मतलब ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज है ना, इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में से कुछ सामान निकल करके कहाँ आ जाएगा, इस बोमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। देखो होने क्या वाला है, जैसे कि अपनी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से ब्लड आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, कैपिलरीज के अंदर आता है, फिर कैपिलरीज के अंदर का कुछ सामान या कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड और बॉडी की जो सेल्स हैं उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो जाता है, फिर कैपिलरीज एक बार फिर से क्या होती हैं, यूनाइट होती हैं, विन्योल बनता है, विन्योल में भी क्या होता है, ब्लड आ जाता है ना, ब्लड मतलब वो फ्लो होता रहता है, फिर वेन्स में ब्लड आता है, लाइक दैट ये होता है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा होने वाला है बेटा, लेकिन हाँ किडनीज के केस में यहाँ पर तुमको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्या वेरिएशन, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्लड आ रहा है, 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 ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या हुआ, जो ब्लड आया उस ब्लड से थोड़ा बहुत जो सामान है बेटा वो कहाँ आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। आई बात समझ में। अब क्या होगा, जब सब्सटेंसेस जो है ना ब्लड से निकल करके कहाँ आ जाएंगे, बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे, उसके बाद में ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं बेटा एक बार फिर से यूनाइट होंगी, और यूनाइट होकर तुम्हें लगेगा कि मैम जब कैपिलरीज यूनाइट होती हैं तो विनियोल बनता है, तो यहाँ पर भी जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यूनाइट होंगी तो विनियोल बनेगा, तो तुमको गलत लगता है। किडनीज में मामला बेटा थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर ना विनियोल नहीं बनने वाला, यहाँ पर एक बार फिर से आर्टेरियोल बनेगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो पूरे कॉन्सेप्ट ही हमारे हिला दिए, अब तक पूरे चैप्टर में आप हमको यही पढ़ाते हुए आए कि आर्टरी डिवाइड हुई आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स डिवाइड हुए कैपिलरीज में, कैपिलरीज के अंदर का ब्लड और सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हुआ, आफ्टर दैट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कैपिलरीज यूनाइट हुई, विनियोल्स बने, विनियोल्स इकट्ठा होकर क्या बन गई, वेन बन गई, और ब्लड जो है यहाँ से वहाँ बह गया। मैम हमने तो आज तक यही पढ़ा था, अब आप बोल रहे हो कि किडनीज के लेवल पर कुछ अलग ही मामला हो गया, कि रीनल आर्टरी आई किडनी में, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई, आर्टेरियोल्स जो है ना कैपिलरीज में डिवाइड हुए, कैपिलरीज का क्या हुआ, गुच्छा बन गया, है ना, ग्लोमेरुलस बन गया, फिर क्या हुआ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड आया उसमें से थोड़ा बहुत सामान जो है निकल करके बोमेंस कैप्सूल में आ गया, और फिर क्या हुआ, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट हुई, भाई आर्टेरियोल आया था, डिवाइड हुआ कैपिलरीज में, कैपिलरीज का गुच्छा बन गया, अब ये कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट हुई तो बनना क्या चाहिए था, विनियोल, लेकिन आपने बोला कि मैम एक बार फिर से आर्टेरियोल बनेगा। एग्जैक्टली, किडनीज में बस आपको यही वेरिएशन देखना होता है बेटा। तो कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जब एक बार फिर से यूनाइट करेंगी ना बेटा, तो यहां पर बनने वाला है एक बार फिर से आर्टेरियोल ही। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी आर्टेरियोल, ये भी आर्टेरियोल, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो मैं नामकरण कर देती हूँ, उसमें क्या है, ये जो आर्टेरियोल आ रहा है तो आने वाले आर्टेरियोल को अपन बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे बच्चों, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये जो जाने वाला आर्टेरियोल है इसको अपन बोलेंगे
efferent arteriole. बस बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ लो तभी तुम्हें जो है ना यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड प्योरिफिकेशन समझ में आ पाएगा. नॉर्मली हमारी बॉडी में ये प्रक्रिया चलती है कि आर्टरीज में एओटा डिवाइड हुआ, आर्टरीज में आर्टरीज डिवाइड हुई, आर्टेरियोल्स में आर्टेरियोल्स डिवाइड हुए, कैपिलरीज में कैपिलरीज फिर से यूनाइट हुई, क्या बन गए विनियोल्स, विनियोल्स यूनाइट हुए, क्या बन गया वेन, वेन जाके कहाँ खुल जाएंगी सुपीरियर या फिर इन्फीरियर वेना केवा में. ऐसे ही होता है. लेकिन किडनीज के लेवल पर मामला बेटा थोड़ा सा अलग हो जाता है. रीनल आर्टरी आई एक किडनी के अंदर, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई, आर्टेरियोल्स ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हुए, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा बन गया, इस गुच्छे की जो ब्लड कैपिलरीज हैं एक बार फिर से यूनाइट हुई और यूनाइट होकर के इस बार विनियोल नहीं बना बेटा, इस बार एक बार फिर से आर्टेरियोल बना. तो ये जो आने वाला जो आर्टेरियोल था है ना, जिससे इस मतलब इससे पहले कि ग्लोमेरुलस बने, गुच्छा बने कैपिलरीज का, तो ये जो आने वाला आर्टेरियोल था उसको अपन बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और कैपिलरीज का गुच्छा बनने के बाद जो आर्टेरियोल बना है उसको अपन बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल. आने वाला एफरेंट, जाने वाला एफरेंट. ठीक है, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा. ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, सपोज यहाँ पर क्या है, बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पर, ये देखो ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, रुको, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ एनले है, ये डीसीटी है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है. ठीक है, ये टिपिकल आपको नेफ्रॉन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये ग्लोमेरुलस हो गया, बोमेंस कैप्सूल हो गया, पीसीटी, डीसीटी, और ये लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है ना, अब देखो क्या होगा, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है बेटा, ये आगे जा कर के, ये एफरेंट आर्टेरियोल आगे जा कर के एक बार फिर से आप बोल सकते हो कि कैपिलरीज में डिवाइड होगा. आप बोलोगे कि मैम कितने बार कैपिलरीज बन रही है बेटा, क्या करें, अगर विनियोल बन जाता यहां पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन यहां पर विनियोल बना ही नहीं, यहां पर तो एफरेंट आर्टेरियोल आया, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज यूनाइट होकर के फिर से क्या बना लेती है, आर्टेरियोल ही बना लेती है. विनियोल बनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इसलिए क्या होगा, एक बार फिर से ये एफरेंट आर्टेरियोल आगे बढ़ेगा और कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा. एक बार फिर से ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से, और इस बार ये कैपिलरीज कोई गुच्छा नहीं बनाने वाली है, बल्कि ये जो कैपिलरीज होंगी ना बेटा, ये रीनल ट्यूब्यूल यानी कि वही पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले के अराउंड क्या करेंगी, जाकर के ऐसे आप बोल सकते हो कि नेटवर्क बना लेंगी. समझ में आई बात? ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और ये जो कैपिलरीज होंगी ना, ये रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब वही डीसीटी लूप ऑफ एनले और पीसीटी के अराउंड जाकर के नेटवर्क बना लेंगी. देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो ये बन रहा है नेटवर्क, ये देखो ये बन गया नेटवर्क. अब क्या होगा, एक बार फिर से ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गए हैं, अब क्या होगा, ये कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट होंगी. एफरेंट आर्टेरियोल आया, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, गुच्छा बन गया, गुच्छे की कैपिलरीज यूनाइट हुई, लेकिन एक बार फिर से क्या हुआ, आर्टेरियोल ही बना, एफरेंट बना आर्टेरियोल. फिर वो आगे जाकर कि कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज ने क्या करा, रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड जो है ना नेटवर्क बना लिया. फिर वो कैपिलरीज एक बार फिर से क्या करेंगी बेटा, यूनाइट करेंगी. ये कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट करेंगी, और इस बार यूनाइट करके क्या बन जाएगा, विनियोल बन जाएगा. आई बात समझ में? क्या बन जाएगा बेटा, विनियोल बन जाएगा. फाइनली विनियोल बन गया है, ये देखो क्या बन गया, ये बन गया विनियोल. ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारे विनियोल्स इकट्ठा होंगे. देखो जैसे कि ये एक विनियोल इकट्ठा हुआ, मतलब ये एक विनियोल बना, ऐसे ही और भी कई सारे विनियोल्स बनेंगे, और भी ऐसे कई सारे विनियोल्स बनेंगे. जैसे कि ये एक विनियोल बना, ऐसे ही और भी कई सारे विनियोल बनेंगे. ये सारे के सारे विनियोल्स अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर देखो ना, अब तो जो चलता था बेटा वही होगा कि कैपिलरीज डिवाइड हुई, यूनाइट हुई, क्या बना, विनियोल बने, विनियोल कंबाइन हुए, यूनाइट हुए, क्या हुआ, कंपैरेटिवली
एक मोटी ब्लड वेसल बन गई जिसको अपन ने क्या नाम दिया, वेन नाम दिया। तो यहां पर भी वही होने वाला है कि एफरेंट आर्टेरियोल आया, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज यूनाइट हुई, क्या बन गए, विनियोल्स बन गए। अब ये बेटा सारे के सारे जो विनियोल्स होंगे ना, अब ये सारे के सारे विनियोल्स जाकर के ओपन हो जाएंगे किसमें, वेन में। ये देखो ये सारे के सारे विनियोल्स बेटा जाकर के ओपन हो जाएंगे वेन में, दिस इज वेन। और फिर क्या होगा बेटा, ये वेन निकलेगी बाहर, किडनी से बाहर। ये एक्चुअली पूरा सब कुछ जो ना बेटा किडनी के अंदर ही होना था, वो पता नहीं बाहर निकल करके आ गया, ठीक है। ये सब कुछ किडनी के अंदर ही होना था। तो यहाँ पर देखो विनियोल्स बने, विनियोल्स एक बार फिर से यूनाइट हुए, ओपन हुए किसमें, वेन में। अब क्या होगा, ये वेन किडनी के बाहर निकलेगी। अब क्योंकि ये वेन किडनी से बाहर निकल रही है तो इसलिए अपन इसको क्या नाम देंगे, रीनल वेन नाम देंगे। और फिर ये क्या होगा, रीनल वेन जाकर के ओपन होगी, दिमाग लगाओ किसमें, ये जाकर के बच्चों ओपन होगी इन्फीरियर वेना केवा में। नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या नीचे के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन हार्ट तक लेकर के आता है, इन्फीरियर वेना केवा, राइट। तो ये जो दोनों ही किडनी से, देखो एक किडनी से निकली रीनल वेन, दूसरी किडनी से क्या होगा, दूसरी किडनी से भी निकलेगी दूसरी रीनल वेन। तो दोनों ही रीनल वेन्स अल्टीमेटली किसमें जाकर के ओपन हो जाएंगी, इन्फीरियर वेना कावा में। आई बात समझ में कि नहीं, ये पूरा बेटा सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक बार फिर से समझा रही हूं, एकदम कान खोल के समझना। एओटा किडनीज के लेवल पर आया, मतलब आई जो भी आया, आया जो भी है, दो ब्रांचेस में वो डिवाइड हो गया, उनको अपन ने क्या नाम दिया, आर्टरीज। एक एक आर्टरी एक एक किडनी के अंदर घुसेगी तो दोनों आर्टरीज को अपन नाम के दे देंगे रीनल आर्टरीज, ठीक है। अब देखो ये किडनी के अंदर क्या हुआ, ये रेड वाली देखो रीनल आर्टरी आई, अंदर आने के बाद क्या हुआ, वो आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो गई। हर एक आर्टेरियोल देखो ये क्या है, आर्टेरियोल है, हर एक रीनल आर्टेरियोल कुछ इस तरीके से कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, कैपिलरीज का एक गुच्छा बन गया। इस गुच्छे को अपन ने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस की कैपिलरी को अपन ने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो रीनल आर्टरी आई, आर्टेरियोल में डिवाइड हुई, आर्टेरियोल डिवाइड हुए कैपिलरीज में, कैपिलरीज का क्या हुआ, ऐसे गुच्छा बन गया, ठीक है। और हर एक गुच्छा क्या हुआ, ग्लोमेरुलस एक वोमेंस कैप्सूल में जाकर के बैठ गया। अब क्या होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एक बार फिर से, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा एक बार फिर से यूनाइट होंगी। यूनाइट होने से होना क्या चाहिए था, विनियोल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विनियोल नहीं बना, यहाँ पर एक बार फिर से क्या बन गया, आर्टेरियोल बन गया। तो आने वाले आर्टेरियोल को अपन ने बोला एफरेंट और जाने वाले आर्टेरियोल को अपन ने क्या बोला, एफरेंट। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल और आगे बढ़ेगा और एक बार फिर से ये एफरेंट आर्टेरियोल्स डिवाइड कर जाएगा किसमें, कैपिलरीज में। अब ये जो कैपिलरीज होंगी बेटा ये क्या करेंगी, रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड नेटवर्क बना लेंगी। नेटवर्क बनाने के बाद क्या होगा, ये जो कैपिलरीज हैं एक बार फिर से यूनाइट कर जाएंगे, और इस बार जब कैपिलरीज यूनाइट करेंगी तो क्या बनेगा, विनियोल बनेगा। ऐसे ही कई सारे विनियोल्स बनेंगे जो अल्टीमेटली वेन में ओपन होंगे, और वेन क्या होगा फिर, किडनी के बाहर निकलेगी, और क्योंकि वो वेन किडनी के बाहर निकल रही है उसको अपन क्या नाम देंगे, रीनल वेन। तो एक एक किडनी से एक एक रीनल वेन निकलेगी और दोनों रीनल वेन्स ओपन होंगी कहाँ, इन्फीरियर वेना केवा में। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है बेटा कि मामला यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, कैपिलरीज जब डिवाइड करती हैं और यूनाइट करेंगी तो विनियोल इस बार नहीं बनेगा, इस बार सबसे पहले एक और आर्टेरियोल बन जाता है। तो एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड हुआ, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज यूनाइट हुई, तो विनियोल बनने की जगह एक बार फिर से क्या बन गया, आर्टेरियोल बन गई, जिसको अपन बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। और फिर जब ये एफरेंट आर्टेरियोल एक बार फिर से कैपिलरीज में डिवाइड होगा, जब वो कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट करेंगी तब जाकर के बनेगा विनियोल, जो ओपन होंगे वेन में और वेन निकलेगी कहां, किडनी के बाहर, ठीक है। ये समझाना था। तो बेटा आज के सेशन की कहानी ना हो चुकी है, अब एक काम करते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यहीं से शुरू था ना, हाँ, अंडर नॉर्मल कंडीशंस द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्क ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ।
मोस्ट ऑफ दिस वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. सम एग्जाम्पल ऑफ दिस बायोकेमिकल रिएक्शन आर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स, हॉर्मोन्स, पिगमेंट्स, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड मेनी अदर कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन. मतलब लगातार सेल्स में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन बेटा होती ही रहती हैं. ठीक है. एक्सक्रीशन. दीज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मेटाबॉलिज्म. इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, सम मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच मे बी टॉक्सिक इफ एक्यूमुलेट इन द सेल्स. वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी मे इंक्रीज और डिक्रीज. जैसे कि आपने बोला कि यार हम तो जो है ना चिप्स खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे. बेटा जितने भी जंक फूड होते हैं, जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं, उसमें क्या होता है, ढेर सारा नमक होता है, ढेर सारे पोटेशियम एंड सोडियम आयन्स होते हैं. अब तुम्हारे ब्लड में ढेर सारा क्या आ गया है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स आ गए हैं. ठीक है. अब जो अपनी किडनीज हैं, है ना, वो बोलेंगे कि अरे 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 ये इंसान कुछ भी खाता रहता है, देखो इसके ब्लड में कितना सारा जो है ना सोडियम और पोटेशियम आयन्स आ चुके हैं, तो एक काम करो ये ब्लड में जो पोटेशियम और जो सोडियम आयन्स है ना ये हमको दे दो. ज़रा सोचो बेटा किडनीज कितना ज़रूरी काम करती हैं. एक तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाती हैं, यूरिन बनाती हैं, उसको बॉडी से ठिकाने लगाती हैं, है ना. दूसरा, हमारे ब्लड में जो एक्सेस सोडियम और पोटेशियम आयन्स जो होते हैं, जो एक्सेस सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट भी किडनीज अपने पास ले लेती हैं. कभी हमें शौक चढ़ता है, भूत सवार होता है कि हमारी स्किन शुड बी ग्लोइंग, तो ढेर सारा पानी पी लेते हैं, तो किडनीज बोलेंगे ओफो ये इंसान तो कहीं तो कभी तो एक दिन भर में जो ना 5 गिलास पानी भी नहीं पिएगा, और कभी जो ना 20 गिलास पानी पी कर बैठा है. यानी कि जब तुम्हारे बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है, जब ब्लड में पानी का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो किडनीज पता है क्या बोलती हैं, अरे दो भैया ये पानी भी हमको दो. तो जब तुम ज़्यादा पानी पीते हो तो तुम सुस्सू भी ज़्यादा जाते हो, और जो तुम्हारी सुस्सू निकलती है बेटा वो कैसी होती है, डाइल्यूटेड होती है. होती कि नहीं होती, ढेर सारी सुस्सू होगी, क्योंकि किडनीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि तुम्हारे बॉडी में आयंस यानी कि सॉल्ट आयंस और पानी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बना रहे. कि अगर तुमने ज़्यादा जंक खाया है, ज़्यादा तुमने नमक खाया है, तो उस ज़्यादा नमक, उस ज़्यादा आयंस को भी क्या होगा, किडनी तुम्हारे ब्लड से, दोनों किडनी तुम्हारे ब्लड से बाहर निकाल लेंगे और उसको फेंकने की कोशिश करेंगी. और अगर तुम्हारी बॉडी में पानी का भी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे हुआ है, तो उसको भी वो मेंटेन करने का काम करेंगी बेटा. और ये जो सॉल्ट और पानी के कॉन्सेंट्रेशन को जो मेंटेन करना होता है ना बॉडी में, उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. तो जो हमारी किडनीज हैं वो ना सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती हैं बॉडी से बाहर, बल्कि ऑस्मोरेगुलेशन भी करती हैं. ठीक है. चल, द टू इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प टू कंट्रोल द आउटकम्स ऑफ दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ठीक है. एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ एक्सेस या टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट. ये जो प्रोडक्ट्स होंगे बेटा, ये जनरली इकट्ठे होते जाएंगे, हार्मफुल हो जाएंगे हमारे लिए और दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज एक्सक्रीशन बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ which is not the product made by the human body. It is the leftover part of the material that is taken into the gut through the mouth. ठीक है. Osmoregulation क्या है, it is the process that maintains the amount of water and proper ionic balance in the body fluids. It maintains, ये तो चलो हटाओ हो जाएगा. अब देखो क्या क्या आता है हमारे excretory system में, दो kidneys, दो ureters, bladder और urethra. ये देखो दो kidneys हो गई, दोनों से क्या हुआ, एक एक muscular tube निकली जिसको अपन ने क्या बोला, ureters. दोनों ही ureters क्या हुए, देखो इस तरीके से मस्कुलर बैग एक स्ट्रक्चर में जाकर के ओपन हुई जिनको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर. ब्लैडर क्या होता है, ये पतले से ट्यूब में जाके खुलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा. और इसी के थ्रू हम यूरिन बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. चलो, द टू किडनीज आर लोकेटेड टुवर्ड्स द बैक ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑन द ईदर साइड, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर, प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी. मैंने क्या बताया था, जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है. क्यों, क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है ऊपर, उस वजह से. द ब्लड फ्रॉम द एओटा एंटर्स द किडनी वाया रीनल आर्ट्री एंड रिटर्न्स टू द इन्फीरियर वेना केवा थ्रू रीनल वेन्स. यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज passes by a pair of ureters to the bladder where it is stored until it is released via urethra. जब तक कि bladder नहीं भर जाएगा तब तक bladder में urine भरती रह, मतलब आती जाती आती जाती आती जाती, और जैसे ही bladder पूरा भर जाता है, urge होती है उसको निकालने की, तो हम बोल सकते हैं कि urethra के through urine जो है body के बाहर निकल जाएगी.
दो किडनीज होती है हमारे पास. ईच किडनी इज पर्पलिश ब्राउन स्लाइटली फ्लैटेंड एंड शेप्ड समवॉट लाइक राजमा बीन. डायमेंशन आप छोड़ दो, कोई नहीं आपसे पूछने वाला. इंटरनली किडनी इट इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन. ये देखो ये किडनी है, ये आपको दिख रहा होगा रीनल कैप्सूल, ठीक है. ये आपको मेडुलरी पिरामिड दिख रहे होंगे, ये पतली पतली आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? माइनर कैलिसिस बोलते हैं. ये देखो आपको ये मोटे मोटे दिख रहे होंगे दो तीन, इनको अपन बोलते हैं मेजर कैलिसिस. ये आपको फनल शेप का स्पेस दिख रहा होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? पेल्विस. और पेल्विस अल्टीमेटली कहाँ ओपन होगा? कुछ इस तरीके से यूरेटर में, ठीक है. चलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म. इफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया यूरिक एसिड आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग टू अनबेरेबल टॉक्सिक लेवल्स. किडनी दिन भर में बेटा आपको पता है 190 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है एंड प्रोड्यूस 0.9 टू 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन. ये नहीं कि दिन भर में 190 लीटर जो है ना ब्लड फिल्टर करा है दोनों किडनीज ने मिल करके एक दिन में, तो 190 लीटर जो ना यूरिन पास हो रही है. बेटा 190 लीटर यूरिन पास करके तुम जाओगे कहाँ? टंकी बन जाओगे क्या कि नल खोल दिया बस आते जा रहा है पानी? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ईच किडनी ऑफ मैन हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. एक नेफ्रॉन की बेटा लंबाई कम से कम 3 सेंटीमीटर होती है. इट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू दो पार्ट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, बोमेंस कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल में क्या होगा? पीसीटी डीसीटी, बोमेंस कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, ठीक है. ये देखो किस तरीके से, देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल आया, आप बोल सकते हो कि ये एफरेंट आर्टेरियोल आया, ठीक है. ये क्या हुआ? कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, ग्लोमेरुलस बन गया, ठीक है. फिर ये देखो कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट हुई तो क्या बन गया? एफरेंट आर्टेरियोल बन गया. देखो यहाँ पर आपको और क्लियर होगा, ये है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, गुच्छा बन गया, ग्लोमेरुलस बन गया जो वुमेन्स कैप्सूल में जाकर के बैठ गया. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट हुई तो क्या बन गया? एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाया और आगे गया और देखो आगे जाकर के वो फिर से एक बार कैपिलरीज में ये देखो डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया. इन कैपिलरीज ने क्या करा है? देखो रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड नेटवर्क बना लिया है. फिर इसके बाद में ये जो कैपिलरीज होंगी ना बेटा एक बार फिर से यूनाइट करेंगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा? विनियोल बन जाएगा. और फिर ये विनियोल कहाँ जाके खुलेगा? रीनल वेन में, ठीक है. और ये देखो क्या है साइड में? कलेक्टिंग डक्ट है. बोमेंस कैप्सूल लार्ज डबल वॉल्ड कप शेप होता है, रीनल कॉर्टेक्स में लाया करता है ये. इट कंटेन्स द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर ओपन का, ये तो छोड़ दो तुमसे नहीं पूछा जाएगा. देन पीसीटी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड इट इज हाईली कॉन्वोलेटेड, मतलब वही कॉइल्ड. इट लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स, लूप ऑफ एनले. यू शेप का होता है ये सेगमेंट, ठीक है. ये रीनल मेडुला में लाया करता है. इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेट लिम्स, असेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम, है ना. और ये पीसीटी के कंटिनेशन में होता है और इसी के कंटिनेशन में क्या होता है बेटा? डीसीटी होता है. डीसीटी जनरली ग्रेटली ट्विस्टेड होती है. ये लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड इट इज ओपन इन टू कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट क्या है बेटा? लार्जर ट्यूब्स हैं विच रिसीव द डीसीटी ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स. ऑल द कलेक्टिंग डक्ट्स दैट ओपन इन टू पेल्विस विच लीड्स इन टू यूरेटर. यानी कि जितने भी नेफ्रॉन्स हैं सबके जो डीसीटीज हैं वो ओपन होंगे कलेक्टिंग डक्ट्स में. कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होंगे कहाँ? सबके सब पेल्विस रीजन में. पेल्विस में क्या होगा? यूरिन आ जाएगी और फिर वो यूरिन कहाँ जाएगी? यूरेटर में जाएगी और यूरेटर से कहाँ? ब्लैडर में, ठीक है. तो आज के इस लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? यूरिन फॉर्मेशन एंड ब्लड प्योरिफिकेशन किस तरीके से होता है वो हम सीखेंगे. तो अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाचाला. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.